जी अस्सलाम वालेकुम अरबी, इफ यू कैन हियर मी, आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही हमें। I can hear you pretty good. Can you hear me? No, yes, now we can hear you. So you ready for just the session? Are you? Yes, we are ready. We all are ready. Okay. So let me introduce you and let me, you know, start this PowerPoint. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, पीवीटीसी के बहुत ही प्यारे लोगों, हमारे जो हैं वो एचओडीज, उनका स्टाफ, हमारे रीजनल ऑफिसर्स उनका स्टाफ, एरिया ऑफिसर्स उनका स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल्स और वीटीआई का स्टाफ, हमारा इंस्ट्रक्शन स्टाफ और हमारे बहुत से बहुत ही प्यारे ट्रेनीज, हम सब जो आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सबको वेलकम कर रहे हैं अपने इस जो है अजीम सेशन के अंदर, जो है जबरदस्त सेशन के अंदर। इंशाल्लाह आप डेफिनेटली यू विल एंजॉय अलॉट, यू विल लर्न अलॉट। जो है तो हमारे साथ आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद आरिफ अनीस मलिक साहब जो हैं वो मौजूद हैं। मैं मुख्तसर सा इनका तारफ कराऊँ क्योंकि बड़े लोगों का तारफ हमेशा मुख्तसर होता है। आरिफ अनीस मलिक साहब जो हैं ये चरवाहे थे, चरवाहे बकरियाँ चराया करते थे और फिर बकरियाँ चरवाते आज इनकी रसाई जो है वो बरतानिया के शाही खानदान तक है और ये यूरोप के जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स हैं वो बासर शख्सियत मुसलमानों की, उनके अंदर जो है आरिफ अनीस मलिक साहब का जो है वो शुमार होता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चरवाहे से एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनने का जो सफ़र है ये इन्होंने कैसे तय किया होगा, उसके अंदर क्या चीज़ें आई, ये सारी की सारी विजडम इनके पास जो है मौजूद है। और राइटर हैं, बहुत बड़े जो हैं वो राइटर हैं। और अगर मैं मुख्तसर सी इनका जो है बस तारफ करता जाऊं क्योंकि मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो इनको दिया जाए। ट्रेनर हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं। अगर मैं ट्रेनर की बात करूं तो दुनिया के जो टॉप के ट्रेनर हैं जिनमें ब्रायन ट्रेसी है, जैक कैनफील्ड है, टोनी रॉबिन्स हैं, टोनी बोजान हैं, लेस ब्राउन हैं और बहुत बड़े 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 नाम, इन सब के साथ जो है आरिफ अनीस मलिक साहब ने स्टेज शेयर किया हुआ है, इनके साथ मिलकर ट्रेनिंग्स की हुई हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के ये सपूत जो हैं वो किस तरह से दुनिया के अजीम ट्रेनर्स के साथ इस वक्त जो है वो मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमें, हमारे लिए जो टाइम हमें जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनर के साथ साथ आप बहुत बड़े कोच हैं, वन टू वन कोचिंग करते हैं, एग्जीक्यूटिव कोचिंग करते हैं, सीईओस को जो है ये कोचिंग फ्राहम करते हैं, ये जो है मीडिया पर्सनैलिटीज जो हैं, दुनिया की जो बड़े बड़े नाम हैं, हॉलीवुड के नाम जो है, बॉलीवुड के नाम, तमाम दुनिया के बड़ी बड़ी शख्सियात उनको जो है डायरेक्ट कोचिंग फ्राहम करते हैं। रिलेशनशिप कोचिंग के अंदर जो है इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है और एग्जीक्यूटिव कोचिंग के अंदर जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ है। इसके साथ साथ दुनिया के जो टॉप इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो भी आपसे जो है वो कोचिंग लेते हैं, पॉलिटिशियंस हों, राइटर्स हों, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हों, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं वो आरिफ अनीस मलिक साहब की खिदमत जो है वो हासिल करते हैं। बहसीत राइटर जो है भी आपने झंडे गाड़े, इनकी जो किताब जो है आई एम पॉसिबल जो है, मैं कहता हूँ कि ये पर्सनल डेवलपमेंट की बाइबल है, इसको अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज होकर जो है वो रह जाती है। और इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर जो है वो कॉलम लिखते हैं गोरों के देश से, रिसेंटली अभी इनकी एक और किताब शाया हुई गोरों के देश के नाम से, जिसका गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब ने जो है उस तकरीब में शिरकत हुई जिसके अंदर जो है वो किताब लॉन्च की गई। मुझे भी वो शर्फ हासिल हुआ उस तकरीब के अंदर जाने का। और इनकी जो तहरीरें हैं वो बहुत ही शानदार हैं, मोटिवेशनल तहरीरें होती हैं और उसके साथ साथ जो है विजडम जो है पूरी दुनिया की, ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के जो हैं तालीमी इदारों के जो हेड्स हैं उनको, नौजवानों को, ये एक क्योंकि ये पाकिस्तान के सिनेरियो को समझते हैं और उस सिनेरियो को समझते हुए इन्होंने पूरी दुनिया को भी घूमा हुआ है, तो वहाँ की जो विजडम है उसको पाकिस्तानी सिनेरियो के अंदर डाल के ये अपने कॉलम्स के अंदर जो है वो ऐसे ज़बरदस्त सॉल्यूशंस जो है वो पेश करते हैं। अगर जो समझने वाले हैं, जो अकल रखने वाले हैं, अगर वो कंसल्ट करें तो उनको इससे बहुत फ़ायदा जो है वो हो सकता है। इसी तरह से आरिफ अनीस मलिक साहब ने जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में जो रोशन किया। और
दो तीन इनकी खिदमात को मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा, उसके बाद जो है मैं अपने मौजूद गेस्ट को जो है वो इनवाइट कर लूँगा। अभी कोविड की सूरत हाल चल रही है, ये बहुत से समाजी काम जो है वो करते हैं, लेकिन अभी जो कोविड की सूरत हाल चल रही है बरतानिया के अंदर, आपको पता है बहुत शदीद हालात रहे, और आरिफ अनीस मलिक साहब ने एक ख्वाब देखी, और वो ख्वाब ये थी कि उन्होंने कहा कि जो इस वक्त अमला काम कर रहा है, दूसरों की खिदमत कर रहा है, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो दे रहे हैं, उसके अमले के लिए आपने कहा कि हम 10 लाख जो है 10 लाख खाने जो है उनमें तकसीम करेंगे, जो 1 मिलियन मील, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा टारगेट था। और आरिफ साहब सुबह निकलते थे शाम तक, उसने टीम बनाई और जो है वो 1 मिलियन मील जो हैं 10 लाख खाने जो है इन्होंने उन लोगों में तकसीम किए जो कि दूसरों की खिदमत कर रहे थे कोविड के अंदर, और उसमें इनको सेहत के खतरात और बाकी सारी चीज़ें मौजूद थी, बट ही डिड दिस थिंग जो है। और इसी तरह से उन्होंने बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया, यहाँ पे इनके जो वेबिनार्स थे उसने पूरी पाकिस्तान को गाइडेंस प्रोवाइड की जो है, इन्होंने टॉप जो थे पाकिस्तान के जो ट्रेनर थे उनको एक वेबिनार के जरिए इकट्ठा किया, और उनकी विजडम को इन क्राइसिस के हालात के अंदर जो है उनकी विजडम को लोगों तक पहुँचाया कि वो कैसे जो है उस विजडम का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बड़े मैराथन जो है वो वेबिनार से 5 से 6 घंटे चलते थे वो वेबिनार्स। इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान के तमाम जो एजुकेशन के जो टॉप के लोग थे उनको जमा किया, और पाकिस्तान के तमाम अदारों को ये रहनुमाई फराहम की वो इस कोविड के पीरियड के अंदर जो है किस तरह से जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, या एजुकेशन का फ्यूचर जो है वो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ ये इनकी दो सर्विस जो है वो बरतानिया से बैठे हुए पाकिस्तान के लिए जो है वो जबरदस्ती, इसके अलावा बहुत से काम जो है वो करते हैं पाकिस्तान के लिए, ये हमेशा जो है इनकी खदमात जो है वो मौजूद रहती हैं, अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए ये हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं, और आज का सेशन भी जो है ये इनकी मेहरबानी है। सिर्फ जब मैंने इनको बताया कि हमारे यूथ हैं और हमारे यूथ इस तरह से हैं, हमारा स्टाफ इस तरह से है, तो इन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल हूँ अपना रोल जो है वो प्ले करने के लिए जो है। सो आरिफ अनीस मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते से आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इसके अंदर जो है, इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि आप उठें और आके सेशन जो है वो करना शुरू हो गए, बहुत तैयारी की है आपने, बहुत मेहनत की है आपने जो है ताकि हमारे नौजवानों को जो है वो गाइड कर सकें। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमें जो है जो जूम के जरिए जो है हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं HOD से लेके, हमारी टॉप मैनेजमेंट से लेके हमारे जो प्रिंसिपल तक जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ हमें जूम के जरिए, 265% हमें जूम में ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड जो है 20,000% जो है हमारे जो ट्रेनीज हैं, जो हमारा इंस्ट्रक्शन स्टाफ है वो और उनकी फैमिलीज जो है, आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ह्यूज जो है वो गैदरिंग है आज जो है, और वो आपके इस विजडम से जो है आज फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस को पहले सिर्फ एक सवाल करते हुए बस आपकी तरफ जो आऊँगा। ऑडियंस, मेरे प्यारे सुनने वालों, प्यारे देखने वालों, आर यू रेडी टू लर्न? क्या सब सीखने के लिए तैयार हो ना आज के सेशन से? बस ये जरा कमेंट्स में लिखो यस जो है, ताकि पता चले कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है और आप कितना जो है वो सीखना चाहते हो। मैं ये आपसे सवाल करूंगा, क्या जिंदगी ये बदलने के लिए अपनी तैयार हो अपनी जिंदगी? आर यू रेडी फॉर दैट? जस्ट राइट इन कमेंट्स जो है, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप कितने जो है वो परजोश हैं। सो आरिफ अनीस मलिक साहब, ओवर टू यू, वेलकम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आई होप आई एम ऑडिबल, आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ऑलराइट, एक्सेलेंट जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सब लोगों को आरिफ अनीस का सलाम पहुंचे, और ये लंदन की एक खुशगवार तो नहीं है, एक गर्म सुबह है, और आपके यहाँ यकीनन, लेकिन यहाँ पे गर्मी जो है वो 30-31 डिग्री होती है, आपके यहाँ इस वक्त 45-47-47 होगी। तो आपको मेरा सलाम पहुँचे, और आपको बैकग्राउंड में जैसे मैं बीच पर नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मैं बीच पर नहीं बैठा हुआ, मैं अपने डेस्क स्पेस पे बैठा हूँ आपके साथ बात करने के लिए, और आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो थ्रिल्ड। ये जो सेशन है ये एक बड़ा तारीखी सेशन है बहुत से हवालों से। एक तो ये कि थैंक्स टू द PVTC और नदीम अकरम, इनके एफर्ट से ये सेशन ख़ास तौर पर लाइफ स्किल्स और लाइफ स्किल जो वो PVTC के स्टाफ और ट्रेनीज के लिए,
और ज़ाहिर है आपके आपके मुख्तलिफ जो भी स्टाफ से रेलेवेंट लोग मौजूद हैं, आपके सीनियर लोग मौजूद हैं, मैं सबको अपनी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि मैंने सर्व किया हुआ पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में, और मैंने 2001 में CSS किया था, उसके बाद मैंने एज ए डिप्टी कमिश्नर आई सर्व्ड इन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुख्तलिफ जगहों पे, और मैं फेमिलियर हूँ कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो एक बहुत बड़ी मशीन है, उसको चलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और दैट यूजली टेक्स टाइम कि वो बाकी दुनिया के साथ चल सके, क्योंकि सरकार एक बड़ी मशीनरी होती है। तो मुझे खुशी ये हुई कि जिस तरह से यहाँ पे यूके में, यूके के जो बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वो COVID-19 की वजह से जैसे उन्होंने चीज़ों को चेंज किया, मैं तो बहुत ही खुशगवार हैरत में मुब्तला हूँ कि पाकिस्तान में PVTC के इदारे और उनसे रेलेवेंट स्टाफ और उनके ट्रेनिंग जो हैं, दे आर इक्वली एज गुड एज द यूके इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एडजस्टेड टू कोरोना, और ख़ास तौर पर जो एक नया नॉर्मल आया है, नया चेंजिंग सर्कमस्टांसिस हैं, जो वर्चुअल लर्निंग है वो अभी भी यहाँ पर भी नहीं है, अभी पिछले 3-4 महीने के अंदर सब कुछ स्टार्ट हुआ। और जब पहले पहले मुझे पता चला, जब नदीम साहब ने बताया, तो आई कुडंट बिलीव कि अच्छा PVTC भी इस तरह से कर सकता है, और नाउ वी हैव दिस प्रूफ राइट इन आवर हैंड्स, और आई कैन सी के इसके पीछे जो एफर्ट्स हैं, दैट डजंट हैपन ऑन इट्स ओन। अगर यहाँ पे 20-25,000 लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उसके पीछे बड़ी मैसिव एफर्ट्स फॉर वीक्स एंड मंथ्स चली हैं, जिसमें डेफिनेटली आई कैन इमेजिन कि जो आपके चेयरमैन हैं PVTC, मेजर रिटायर्ड शाहनवाज बदर, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर अमजद अली, और फिर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स, एरिया मैनेजर्स, प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, और इसमें मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपका इंस्ट्रक्शनल स्टाफ और ट्रेनीज हैं, जो कि सारे मामले को ऑब्जर्व करने के लिए जमा हुए हैं। तो दिस क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत जल्द इन तमाम द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस में अपने आप को गैदर किया, और आपने कहा कि जो मर्जी हो जाए, कोरोना या विदाउट कोरोना, काम हो रहा है या नहीं, ऑफिस लग रहा है या नहीं, लेकिन जो सीखने का अमल है वो किसी सूरत में उसको मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। दिस इज समथिंग जो कि सबसे शानदार बात है, और फॉर दिस मैटर इनफैक्ट ऑल ऑफ यू आर माई हीरोज, क्योंकि आई कैन इमेजिन कि आप लोग न सिर्फ खुद बल्कि आपने पूरी की पूरी जो कौम है, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि आपके इस आपकी इंस्टीट्यूशन में जाता है, आपके साथ पढ़ता है, आपके साथ ट्रेनिंग लेता है, आप उन सबको अपलिफ्ट कर रहे हैं। एक चीज जो जिसने मुझे इस सेशन की तरफ, जब आज से कुछ आई थिंक 5-6 वीक्स बैक जब मुझे अप्रोच किया गया, तो मैंने उसको जब समझना स्टार्ट किया, और फॉर द रीजन आई सेड यस, वो ये था कि वो पोटेंशियल जो कि आप लोगों के पास मौजूद है, दिस इज समथिंग जिसे हम कहते हैं लाइफ चेंजिंग, लाइफ क्रिएटिंग पोटेंशियल, और आज हम उसी की बात करेंगे। ये लाइफ स्किल जो हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि साथ साथ जो स्लाइड्स हैं वो चलती जा रही होंगी, और आपको साथ साथ स्क्रीन पे नज़र आता जाएगा, जो लाइफ स्किल्स हैं ये मेरे ख्याल में, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी उससे सीखा, मेरे ख्याल में ये आपकी ज़िंदगी का सबसे शानदार तरीन और सबसे ज़रूरी तरीन चीज़ है। किसी भी सूरत में आप ग्रो नहीं कर सकते अगर आप अपनी ज़िंदगी को जांचना, परखना और उसी हिसाब से गुजारना शुरू नहीं करते। लाइफ स्किल्स जो हैं, आज का जो सेशन हमने उसका नाम दिया इम्पॉसिबल, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने उसको ऐसा नाम क्यों दिया है और उसके पीछे क्या कहानी है, वो साथ साथ हम चलाते जाएंगे। लेकिन जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, तो ज़िंदगी में दो तरीके हैं सीखने के। एक तो ये कि जैसे हम पैदा हुए हैं इसी तरीके के साथ हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, या फिर ये कि हम एक बंद संदूक की तरह से दुनिया में आए और हमें उसकी चाबी ढूंढनी है, और वो चाबी जब हम संदूक को लगाएंगे तो उसके अंदर जो जो खजाने छुपे हुए हैं, उसके अंदर जो जो शानदार चीज़ें, हीरे जवाहरात, लाल जो कुछ छुपे हुए हैं,
हमने उनको ढूंढना है। जो ढूंढने का पूरा प्रोसेस है वो लाइफ स्किल है, यानी कि आपने दुनिया में देखा होगा और आपने यकीनन देखा होगा, आपने बल्कि सवाल भी किया होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कामयाब हो जाते हैं दुनिया की जबान में, करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं यार कि इस बंदे को तो ये नहीं पता कि बात कैसे की जाती है एहतराम के साथ, इसको ये नहीं पता कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसको ये नहीं पता कि जो एक किरदार है, करेक्टर, वो क्या चीज़ होता है, या कम्युनिकेशन स्किल में आप देखते हैं कि उसे सही तरीके से अदायगी नहीं होती, वो अपना माफी ज़मीर नहीं बयान कर सकता। तो ये सब कुछ जो है ये आपकी लाइफ स्किल्स कैसा है, लाइफ स्किल्स के बग़ैर आप दुनिया में इतने मर्जी तीर आपने चलाने हैं चला लें, लेकिन वो तीर जो है ना वो अपने आदाब तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो हम आज का सेशन जो है लाइफ स्किल्स में बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके मेनली ये सारी की सारी स्किल्स वो हैं जो कि आपको इंसानों के साथ काम करना, उनके साथ चलना और ख़ास तौर पर अपने पूरे के पूरे जो पोटेंशियल है उसको एनहांस करना है। ठीक है, उसमें आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कह लें, उसमें सोशल स्किल्स हैं, कोऑपरेशन है, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, लोगों के साथ मिलजुल के कैसे काम करना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है। सेल्फ एस्टीम के हवाले से मुझे बताया गया कि इस पर भी आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ज़ोरदार किस्म के सेशन हो चुके हैं। तो आज तक आपने जो कुछ सीखा है, आज हम तकरीबन उस सारे मामले को काम में लेकर आएंगे, और काम में कैसे लाएंगे ये आपको हम बताते हैं जैसे जैसे हम आगे चलते हैं। और जो भी जैसे हम ठीक है, मैं ये इंतज़ार कर रहा था कि ये स्क्रीन यहाँ पे पहुँचे। आप जब देखते हैं कि लाइफ स्किल्स कौन कौन सी हैं, तो उसमें कुछ स्किल्स जो हैं वो थिंकिंग से रेलेवेंट हैं, कुछ मैनेजमेंट से रेलेवेंट हैं, कुछ केयरिंग से रेलेवेंट हैं, कुछ गिविंग से रेलेवेंट हैं, कुछ वर्किंग से या कुछ होने से जो कि आप खुद हैं। ये सारे सेट ऑफ स्किल ऐसा है जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है, और आपको इसी सेट ऑफ स्किल पे ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही हैरत का मुकाम है कि पाकिस्तान में PVTC जो है वो एक इंटरनेशनल मयार की ट्रेनिंग अपने स्टाफ को भी दे रहा है और उन तमाम तर लोगों को जिन्होंने आगे लाखों जिंदगियाँ बदल दी हैं। आप चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि आप अपने अपने आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और आप बिल्कुल करते रहें, क्योंकि आप जब बैठे हैं यहाँ पे तो मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए एक तो बिल्कुल अटेंटिव ब्रेन जो आप कनेक्टेड हुए इसके साथ, और सेकंड मुझे चाहिए आपके हाथ में पेन, आपके पास एक पेपर, क्योंकि बहुत कुछ होगा जिसमें आपको इन्वॉल्व करूँगा, आपको सोचने के लिए, समझने के लिए, और आपको साथ एंगेज रखने के लिए, आपसे ये गुफ्तगू चलती रहेगी। और सबसे पहले हम जब इस मामले में आगे चलते हैं तो मैं आपसे आपको आपकी ताली बजाना चाहूँगा। जिससे कहते हैं ना कि आप एक वजह से जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मुझे बताया गया कि 20-25,000 लोग जहाँ पे इसको देख रहे हैं, तो आप सब लोग जो वहाँ पे देख रहे हैं हमें यूट्यूब पे या साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यू पीपल आर हीरोज़ फॉर वन रीज़न। आप आज आपके ये दो घंटे इतने ही टाइम है हमारे पास मौजूद जो कि हम अपने साथ एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, ये दो घंटे मैं आपको एक चैलेंज करना चाहूँगा इस वक्त कि ये दो घंटे आपकी ज़िंदगी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो घंटे साबित हो सकते हैं, सबसे कीमती दो घंटे। और बाय द टाइम वी फिनिश दीज टू आवर्स, तो इन दो घंटों में मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जाऊँगा जिसके अख्ताम पर काफ़ी सारी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको नज़र आने लग जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने पर्पस के साथ, अपनी तमाम एनर्जीज के साथ, जो अपनी एजुकेशन हासिल की है उसके साथ क्या करना है। और मैं ये भी आपको चैलेंज करता हूँ काफ़ी हद तक कि अगर आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ शामिल रहे सारी जर्नी के अंदर, तो बाय द टाइम यू फिनिश दिस टू आवर्स, तो आपको एग्जैक्टली काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि अपने आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपने क्या करना है और किस तरह से आपने ज़िंदगी को गुजारना है और किस तरह से आपने अपने ख्वाबों को पाना है। इस सेशन का जो नाम है, अंग्रेज़ी में नाम आपने देखा है, वो तो है आई एम पॉसिबल, लेकिन जो इसका उर्दू में नाम है वो नाम है इसका ख्वाब सच्चे हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे, आप सब लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग ख्वाब देखते हैं? जी, ख्वाब देखते हैं आप लोग?
और अगर कोई भी साहब ये स्लाइड चला रहे हैं तो आप जरा अगली स्लाइड पे आ जाएं जहाँ पे हम ख्वाब देखना शुरू करते हैं। अच्छा चलें जहाँ पे रुकते हैं यहाँ पे मैं आपकी ताली बजाता हूँ, ठीक है। आप सब के लिए मैं ताली इसलिए बजाऊँगा कि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं इन दो घंटों में, जब हमने आपसे कहा कि आप यहाँ पे पहुँचेंगे, आप सीखेंगे, हम मिलजुल के सीखेंगे, मैं आपसे सीखूँगा, मुझसे सीखेंगे। इन दो घंटों में आप कुछ भी कर सकते थे, आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख सकते थे, कोई इंडियन फिल्म देख सकते थे, कोई उर्दू फिल्म देख सकते थे, टीवी के ऊपर कोई गला सड़ा सा पॉलिटिकल प्रोग्राम देख सकते थे, या फिर अपनी फैमिली के साथ कीमती वक्त गुजार सकते थे, या आप अपने वर्जिश कर सकते थे, खाना पका सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे, लेकिन ये दो घंटे आपने मुझे दिए हैं, तो ये जो आपने वक्त निकाला है ये बहुत कीमती है, ठीक है। जो सक्सेस है, जिसे कहते हैं ना कामयाबी, कामयाबी का जो 80% होता है ना वो क्या होता है, वो होता है शोइंग अप। शोइंग अप, शोइंग अप क्या चीज़ है, शोइंग अप मीन्स बीइंग प्रेजेंट, एक्चुअली डूइंग दैट। किसी भी सूरत में जो मर्जी हो जाए, अगर आप जितने भी बासलाहियत हैं, जितने भी जीनियस हैं, और आप यकीन हैं यहाँ पे बहुत सी आपकी खूबियाँ मौजूद होंगी, लेकिन अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, अगर आप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, प्रेजेंट नहीं हैं, तो फिर आप नहीं हैं, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल नमाज के साथ आप सब लोग नमाज पढ़ते होंगे और अल्लाह के सामने हाजिर होते होंगे, पांच वक्त भी उससे कम भी, जब आप अल्लाह के सामने दिन में पांच वक्त हाजिर होते हैं तो हाजिरी क्या होती है, हाजिरी प्रेजेंस होती है, जिसके मतलब होता है कि आप एटलीस्ट यू शो अप, यू आर देयर। और हाजिरी क्या होती है, हाजिरी जिसे अगर अल्लाह के हजूर हाजिर होना, नमाज एक एक्सरसाइज नहीं है, एक मश्क नहीं है, ये हाजिरी है, हाजिरी कनेक्टेडनेस है, जिसमें आप कहते हैं कि आप किसी जगह एक बिजली का जो है वो मेन सोर्स लगा हुआ है, आप उस सोर्स के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, तो नमाज आपको कनेक्ट करती है अपने रब के साथ, अपने जिसने आपको बनाया, जिसने आपको दुनिया में लाया, जिसने आपको दुनिया में एक पर्पस के लिए पैदा किया। और आज हम उसी पर्पस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जितने लोग ही मौजूद हैं, ठीक है, मैं आप सब लोगों के लिए ताली बजाऊंगा, आप सब लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि यू पीपल आर देयर। और वो जो कहते हैं ना कि जो मर्जी हो जाए दुनिया के अंदर, यू मस्ट ड्रेस अप, यू मस्ट शो अप, ठीक है। और दिस इज 80% ऑफ सक्सेस। 80% ऑफ सक्सेस क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शो अप होना ही भूल जाते हैं, और वो समझते हैं कि कामयाबी उनका हक है, उनको कामयाबी होना चाहिए, उनके ख्वाब भी पूरे होने चाहिए, लेकिन दे डोंट गेट अप, दे डोंट ड्रेस अप एंड दे डोंट शो अप। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं बनता, आगे गिव अप की बात भी होती है, एंड यू नेवर गिव अप। लेकिन गिव अप होने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे शो अप होने के बारे से। आप जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों के लिए एक जोरदार किस्म की ताली बजाता हूँ, और ये ताली आप अपने लिए भी बजाएं। मैं आपको देख रहा हूँ स्क्रीनों के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए ताली बजाएं, अपने दोस्तों के लिए ताली बजाएं, उन तमाम लोगों के लिए ताली बजाएं जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मुझे अभी तक आप लोग ताली बजाते हुए नजर नहीं आ रहे, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अब जितने लोग भी मौजूद हैं अभी भी आधे लोग ताली नहीं बजा रहे, या तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही या फिर आपको मेरी उर्दू समझ नहीं आ रही। जी सारे जितने लोग बजा रहे हैं, सब बजा रहे हैं, मैं देख सकता हूँ सब बजा रहे हैं। ओके जबरदस्त, ठीक है, चले नदीम साहब ने कंफर्म कर दिया तो पता चल गया कि सब लोग ताली बजा रहे हैं। जो शॉप होने की बात है, आपने सुना होगा एक लतीफ़ा है बड़ा करामत किस्म का, कि एक जो है सिख हैं हमारे दोस्त, वो तकरीबन कोई पिछले 10-20 साल से ना वो भगवान के सामने दुआ करते हैं, वो कहते हैं कि या अल्लाह मेरी लॉटरी निकल आए, ठीक है, और वो रो रो के दुआएं करते हैं, रो रो के सिद्ध के दिल के साथ उसमें प्रार्थना करते हैं, हाथ फैलाते हैं, रातों को उठ उठ के रोते हैं, कहते हैं याद, यानी कि भगवान को अपने वो अप्रोच करते हैं या अपने खालिक को अप्रोच करते हैं, कहते हैं किसी तरीके से मेरी लॉटरी निकल आए, ठीक है। और वो उन्होंने इतना तरला डाला, इतनी मिन्नतें की, इतनी दफरोरों की दुआएं की, कि तकरीबन कोई जब 10 साल गुजर गए तो अचानक रात को आवाज़ आई और वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा लगता है मेरी दुआ सुन ली गई है। तो जो आवाज़ आई उसने कहा कि प्रेम सिंह,
तुमने इतनी रो रो के दुआएं की, तुमने इतनी इल्तिजाएं की, तुमने इतना तरला मारा, तो तुम्हारी दुआएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन तुम कम अज कम लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। ठीक है, अब उनकी जो दुआएं थी सारी वो ये थी कि किसी तरीके से लॉटरी निकल आए, लेकिन इसी से चक्कर में वो लॉटरी का टिकट खरीदना भूल गए। अब ये है तो एक लतीफ़ा ही, लेकिन इसमें से बात ये निकलती है कि जब तक हम लॉटरी का टिकट नहीं खरीदते तब तक होता क्या है, तब तक हम लॉटरी जीत नहीं सकते। जो आप यहाँ पे मौजूद हैं ये लॉटरी का वही टिकट है जो आपने एक तरह से ख़रीद लिया है, आप उसका हिस्सा बन चुके हैं। लॉटरी जब निकलती है तो किसकी निकलती है? फॉर एग्जांपल कभी कहते हैं कि 10 लाख, कभी कहते हैं 20 लाख, कभी कहते हैं 1 करोड़ बंदा लॉटरी लेता है, एक बंदे की लॉटरी निकलनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ किसी सूरत में भी मौजूद रहेगी कि उसी बंदे का टिकट निकलेगा जिसने टिकट ख़रीदा है, उसका नहीं निकलेगा जो सिर्फ उसकी दुआ कर रहा है, उसकी तमन्ना कर रहा है। तो ये जस्ट एक क्विक कमेंट था, आप लोग चूँकि यहाँ मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए कि आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये जो आज का सेशन है इसका नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू के अंदर इसका नाम ख्वाब सच्चे हैं और अंग्रेज़ी में इसका नाम है इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल जो है उसकी स्पेलिंग क्या है? अब जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप मुझे कह के बताएं कि इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है। IMPO मेरे साथ कहें ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं। IMPOSSIBLE। अब ये इम्पॉसिबल है या फिर इसको किसी और तरीके से पढ़ा जा सकता है? अभी जो आपके अभी मैं देख रहा हूँ कि एक राव साहब हैं, उन्होंने लिखा ये तो IMPOSSIBLE है। ठीक है, अब इम्पॉसिबल को चाहे आप IMPOSSIBLE पढ़ते हैं या इम्पॉसिबल पढ़ते हैं, क्या ये एक ही चीज़ है या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? जी क्या ये एक ही चीज़ है या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? राइट जी, फैज़ अहमद जो हैं वो कहते हैं जी कि ये तो डिफरेंट है। ठीक है, और बहुत से लोग बिल्कुल यहाँ पे मुझे इरफान शफीक नज़र आ रहे हैं, तनवीर अहमद कहते हैं कि वो अलग हैं, यकीन मोहम्मद हैं, आफिया अब्दुल हैं, ग़ुलाम अहमद हैं। IMPOSSIBLE ये अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, अलग अलग चीज़ें कैसी हैं? इम्पॉसिबल और IMPOSSIBLE अलग अलग चीज़ें कैसे हैं? ये अलग अलग चीज़ें उस वक्त बनती हैं जब क्योंकि IMPOSSIBLE या इम्पॉसिबल ये दो अलग अलग क्या हैं, माइंडसेट्स हैं। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं कि उसमें काला है या सफ़ेद है, हरा है या बंजर है, जो भी है ये माइंडसेट है, जो भी आपने ऐनक पहनी हुई है जिससे आप दुनिया को देख रहे हैं ये आपका माइंडसेट है। तो IMPOSSIBLE और इम्पॉसिबल ये दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं मैं आपको बताता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है और आप इम्पॉसिबल से IMPOSSIBLE की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। मैं वैसे सबसे जो मेन इसका एक लेता हूँ इम्पॉसिबल से IMPOSSIBLE की जानिब, तो मैं उस दिन को याद करता हूँ जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जिसका जिक्र आसमानी किताबों में मौजूद है, और ये वो दिन है जब इंसान को तख्लीक किया गया, इंसान को तख्लीक किया गया और इंसान को अल्लाह ने अपना नायब बनाया। और दिस इज़ द डे इन फैक्ट जब इम्पॉसिबल जो है वो IMPOSSIBLE हो गया, जब हम अल्लाह की किबरियाई का, अल्लाह की अजमत का, अपने खालिक की रबूबियत का जिक्र करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। आप इस कायनात के बारे में फॉर एग्जाम्पल सोचिए जिसके खरबों सितारे हैं, सियारे हैं, उसमें से ज़मीन एक छोटा सा एक ज़रा बराबर एक सियारा है जिसके ऊपर हम लोग मौजूद हैं, और खालिक ने जिसने ये पूरी कायनात बनाई, जिसने ये समंदर, जिसने ये पहाड़, जिसने ये पूरी की पूरी एक अजमत से पेंट किया है सब चीज़ों को 6 दिन के अंदर जैसे कि कहा जाता है। तो उस खालिक ने फिर ये भी कहा कि आप लोग जो हैं, इंसान जो है उनसे खालिक का नायब है। ठीक है, अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? कि दुनिया में जो खरबों मखलूकात हैं उनमें से सिर्फ एक मखलूक को ये शर्फ दिया गया कि ये जो मखलूक है ये खालिक की नायब है। और आप इमेजिन कर लीजिए कि दुनिया में आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कोई प्रिंसिपल है तो उसका जो पीए है, कोई चेयरमैन है तो उसका पीए है, कोई डायरेक्टर जनरल है तो उसका पीए है, या कोई वजीर है या उसका कोई नायब है, या कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसका डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है। यानी कि डेप्टी होना, नायब होना कितनी बड़ी बात है, और जो डेप्टी होना है
ये उस खालिक कायनात ने पूरी पूरी ये कायनात तख्लीक की है, इससे बड़ी अजमत वाली कोई बात नहीं हो सकती। और दिस इज व्हाट ये इम्पॉसिबल को आई इम्पॉसिबल करने वाली बात है कि जिस खालिक कायनात ने पूरी पूरी ये कायनात तश्कील दी है, आपको अपना नायब बनाया है, आप उस खालिक के नायब हैं, उसके डेप्टी हैं, और अगर उसके आप डेप्टी हैं तो फिर आपका जो इम्पॉसिबल है वो आई इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने आपको इख्तियार दिया है कि आप अपनी अपनी तकदीर बहुत से हवालों से अपने कलम से लिख सकें। आप जरा प्रीवियस स्लाइड पे वापस आइएगा। अच्छा, मुझे वारिस अली शाह जो है उनका मैसेज आया है कि वॉइस नॉट क्लियर, होपफुली मेरी तरफ से सब खैर है, अगर वॉइस क्लियर नहीं हुई तो मुझे बताइएगा। Alright. जी अभी क्लियर आ रही, कुछ लोगों के अपने इंटरनेट कनेक्शन बाज़ दफ़ा ज़ाहिर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उनको क्लियर नहीं आती है, बट ओवरऑल इट्स फाइन। ठीक है, अच्छा अब जो सेशन उसका नाम है ख्वाब सच्चे हो सकते हैं, और ख्वाब सच्चे हो सकने का जो पूरा प्रोसेस है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ भी सकते हैं कि क्या ख्वाब सच्चे हो सकते हैं, या आपका सवाल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो। ख्वाब होते क्या हैं? अभी जैसे स्क्रीन का और आप देख रहे हैं कि ख्वाब होते हैं अछूती किस्म की वारदातें, अछूते किस्म के ख्यालात, वो ख्यालात जिसमें आप क्या हो सकता है या नहीं, क्या मुमकिन है या क्या मुमकिन नहीं, आप सब चीज़ों से आज़ाद होकर सोचते हैं। आप ख्वाब में जब सोचते हैं ये नहीं सोचते कि अच्छा ठीक है अगले दो साल में मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेनिंग हूँ तो उसके बाद मुश्किल हो जाऊँगा, या मैं स्टाफ मेम्बर हूँ तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट या रीजनल मैनेजर या एरिया मैनेजर या किसी भी जगह पे पहुंच जाऊंगा, उसका एक पूरा प्रोसेस है। ख्वाबों में जो कुछ आप करते हैं आप बिल्कुल इम्कानात से आज़ाद होके करते हैं, ठीक है। ख्वाब ऐसे नहीं होते कि एक बंदा कहता है यार मैं ख्वाब यह कि मैं बड़ा होके किसी जगह पे क्लर्क बन जाऊँ, ठीक है, या फौज में सिपाही भर्ती हो जाऊँ, ठीक है। ख्वाब ऐसे नहीं होते, ख्वाब जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ख्वाब जब हम सोचते हैं या देखते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, हम अपने महदूदात और इम्कानात से दूर जाके ऊपर जाके ख्वाब देखते हैं, सोचते हैं। ख्वाब आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये जो मुझे चांद नज़र आ रहा है इसको अगर मैं एक जंजीर में या एक रस्सी इसके ऊपर फेंकूँ और इसको जकड़ के इसको अपने पास एक खूंटे के साथ बांध दूँ, तो आप इस तरह का ख्वाब भी देख सकते हैं, ठीक है। ख्वाब आपका जो है वो एक ऐसा इश्क है, एक आपका ऐसा तसव्वुर है, आपका ऐसा एक मंजिल है जिस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ी नहीं लगानी, आप सोचते हैं कि यार ये हो जाए और ये मैं कर सकता हूं, तो ख्वाब उस तरह की चीज़ है। अब ख्वाब, लेकिन ख्वाबों के बारे में कुछ और आगे जाने से पहले कर सकता आपसे पूछता हूं कि क्या आप ख्वाब देखते हैं? डू यू हैव अ ड्रीम? क्या आप लोग ख्वाब देखते हैं? ओके, ये बात आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, 20,000-25,000, मुझे बताएं आप लोग ख्वाब देखते हैं? आप चैट बॉक्स में ये लिखेंगे आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है जी, तो मुझे लिख के दिखाएं जरा। जबरदस्त जी जी, इमरान और अब्दुस्सत्तार, आयशा और काशिफ, शाहिद और इमरान अगेन, और फिर महबूब साहब और अनवार, नदीम और जैब और जोबिया और नबील, लियाकत, अमरीना तारिक, राबे इकबाल, नौमान, जुल्फिकार, राना सईद, ज़बरदस्त आप सब, आई हैव अ ड्रीम, आप सब लोग शानदार शानदार जी, यकीन बिल्कुल ठीक। ताहिर अकरम, उल्फत रसूल और रिजवान सईद, आप सब लोगों की जानिब से मुझे रसीद मिल गई है कि यू हैव अ ड्रीम, क्योंकि ये सेशन अटेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाजमी शर्त है, और वो ये है कि इफ़ यू हैव अ ड्रीम, अगर आप लोग ख्वाब नहीं देखते, अभी सिदरा ने भी कहा, जुल्फिकार ने भी कहा, अगर आप लोग ख्वाब नहीं देखते तो फिर आप ऐसा करें कि आप इसको सेशन को ऑफ करके आराम से कोई रोटी शोटी खाएं, कोई और अच्छा सा काम करें, या टीवी शीवी देखें, रेडियो वीडियो सुनें, क्योंकि अगर ख्वाब नहीं देखते तो फिर इस सेशन का फ़ायदा नहीं है। ये इस सेशन का जो उनवान है वो है ये ख्वाब सच्चे हो सकते हैं। ख्वाब तो सबसे सच्चे होंगे अगर आप ख्वाबों पर यकीन रखते हैं या आपका कोई ना कोई ख्वाब मौजूद है, ठीक है। ओके, अच्छा आपकी बात मैंने सुन ली कि आप वो ख्वाब देखते हैं, तकरीबन आप में से सब लोगों ने मुझे बता दिया आप ख्वाब देखते हैं। अब आप थोड़ा सा आपसे मैं काम कराऊंगा, मैंने आपसे बताया था ना कि आपको आज मैं बहुत सी एक्सरसाइजेज कराऊंगा, तो आप जल्दी से अपना पकड़ें कागज़ और पेन पकड़ें,
और आपको मैं दे रहा हूँ सिर्फ सिर्फ 15 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर आपने अपने 20 ख्वाब, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड से कम वक्त में एक ख्वाब, उसके आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है, और आपने फौरी तौर पे वो ख्वाब लिखने हैं उसके ऊपर जिसका आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई हैव अ ड्रीम, आपने कहा जी आपका ख्वाब है, आपके पास आई हैव ड्रीम्स ख्वाब हैं, तो मैं आपको दे रहा हूँ 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपने क्या करना है कि आपने उस कॉल के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ख्वाब लिखे हैं। चलें जी, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, लिखना शुरू करें, शाबाश। कौन से ख्वाब हैं आपके, क्या करना है आपने? ख्वाब, ख्वाब, मैं आपके इरादे नहीं पूछ रहा, आपके प्लान्स नहीं पूछ रहा, ख्वाब, क्या ख्वाब है आपका? आधा वक्त खत्म हुआ आपका, आपने 20 अदद ख्वाब लिखने कम से कम। ख्वाब वो जो जागते देखते हैं या सोते हुए देखते हैं? नहीं नहीं, ये सारे ख्वाब जो कि आपने सोते हुए देखते हैं, ठीक है, सोते जागते सारे के सारे ख्वाब, ख्वाब जो कि आप ख्वाब ये जिसने आपने चंदा मामू को रस्सा डाल के अपने खोंटे के साथ बांधना, इस तरह का ख्वाब, ठीक है, ख्वाब तो ख्वाब होता है। तो ओके, ये आपका टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं आपने कितना ख्वाब, आपने नंबर बताएं अपने कि आपने कितने लिखे हैं। ओके, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 11, ओके, 14, ऑलराइट, गुड, 11, 13, जबरदस्त, 11, 9, 8, 7, 5, 1, 4, 5, 6, ऑलराइट, जबरदस्त, गुड। अब ये जो कुछ आपने कागज पे लिखा है, मैं आपके शानदार बात बताऊंगा कि जो कुछ आपने कागज पे लिखा है इसका मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ आपके साथ कि जो कुछ आप, अगर आप ये सब कुछ आज मेरे साथ सेशन में मौजूद हैं, जैसे सेशन में हम आगे चलेंगे जब तक अभी 2 घंटे खत्म होते हैं, इंशाल्लाह ये जो कुछ आपने लिखा है ये जितना भी क्रेजी है, कितना क्रेजी, अब सोचते हैं कि ख्वाब कितना क्रेजी हो सकता है, इस बारे में ये ज़हन में रखिए कि ख्वाब को क्रेजी होना चाहिए। ख्वाब जो है वही मैंने कहा कि किसी का ख्वाब ये नहीं हो सकता कि मैं जाके बड़ा होके एक बंदा ख्वाब देखता है कि मैं क्लर्क बन गया हूँ या किसी जगह पे स्पाई बन गया हूँ। ख्वाब तो आप देखते हैं कि आप शायद उस फौज के जनरल बन चुके हैं, या ख्वाब आप ये देखते हैं कि आप शनशाह मुकर्रम हैं, या ख्वाब आप ये देखते हैं कि आप सर पे ताज रखे हुए हैं अपनी मलका के साथ, अपने तख्त ताऊस पे बैठे हैं। ख्वाब किस तरह के ख्वाब होते हैं, तो ख्वाब देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ख्वाबों के बारे में एक बिल्कुल ड्रीम्स लिमिटलेस हैं, अभी जो मोहम्मद तैयब ने कहा कि ड्रीम्स लिमिटलेस हैं, लिमिटलेस ही होना चाहिए ड्रीम्स को, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना कि आपने आज क्या करना है, थिंग्स टू डू, आपके प्लान्स क्या हैं, आप अगले साल क्या करेंगे, 5 साल क्या करेंगे, 10 साल क्या करेंगे, वो सब कुछ लिमिट में होना चाहिए कि ठीक है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन ख्वाब जो हैं वो लिमिटलेस ही होने चाहिए, ख्वाब क्रेजी होने चाहिए। अब आपने जितने ख्वाब लिखे हैं उनमें से कोई आपने इस वक्त, अब जितने लोग मौजूद हैं इस वक्त, फॉर एग्जांपल 300 लोग मौजूद हैं यहाँ पे जूम पे और बाकी हजारों जो कि इसको देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से मेरे से शेयर कीजिए कि आपने एक ख्वाब अभी चैट बॉक्स में शेयर करना है, उनमें से जो आपने 5, 7, 8, 10 ख्वाब लिखे हैं उनमें से एक ख्वाब लिखें। जी वकास कहते हैं उन्होंने नोबेल प्राइज जीतना है, ठीक है, हज, जुबैर कहते हैं उन्हें हज करना है, ठीक है, जी पब्लिक फिगर बनना है, हैदर उस्मान कहते हैं, जी एक ख्वाब गाइडिंग नेशन, ठीक है, ट्रेवल चेयरमैन PVTC कार, ठीक है, ग्रेट मैन, विजिट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, बेस्ट ट्रेनर, ठीक है, जबरदस्त, ऑलराइट जी मैं पढ़ रहा हूँ आपकी बातें, जी राना उमैर कहते हैं शादी करूँगा, यार ये भी कोई ख्वाब है शादी तो हो ही जानी है आपकी, ये तो ख्वाब तो कोई बड़ा सा होना चाहिए, कुछ 8, 10, 20 शादियों का, ये तो एक शादी तो हर एक की हो जाती है, ठीक है फिर ये राना मोहम्मद तारिक जी वर्ल्ड टूर, अबू सुफियान कहते हैं जिन्होंने एक उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
I want to have a trillion. Yes, एक खरब, ठीक है, ये मजेदार बात है. उमरा करूंगा, राशिद कादिर कहते हैं. उमरा भी एक जबरदस्त चीज है, और सारी चीजें जो आप लिख रहे हैं जबरदस्त चीजें हैं. जी ओके, जबरदस्त. सी एस एस करना है, ड्रीम करना है. बहुत से ख्वाब जो हैं YouTube पे जो आ रहे हैं, मैं भी वो भी उनकी नुमाइंदगी करना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें. जी प्लीज प्लीज. और YouTube के ऊपर बहुत से लोग अपने इस ख्वाब लिख रहे हैं. कोई कह रहा है कि मैंने हज करना है, कोई कह रहा है मैंने जो है वो टीचर बनना है, कोई कह रहा है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने इंसानियत की जो है वो खिदमत करनी है, और इसी तरह से कोई कह रहा है कि मैंने अपना ये स्किल जो है वो सीख के जो है इससे अपनी इनकम शुरू करनी है. साहब कह रहे हैं मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है. तो इस तरह की बहुत सी चीजें जो है यूट्यूब के ऊपर बड़ी एक्टिवली जो आ रही है. जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, बड़ा बहुत अच्छा किया. प्लीज कीप ऑन फीडिंग मी, क्योंकि हमारे साथ जो लोग यूट्यूब पर मौजूद हैं उन सबसे भी हमारा रब्ता रहे, और आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने उनसे कनेक्ट किया. क्योंकि आज होता ये है कि आज जब से आप पैदा हुए हैं, ठीक है, अब जितने लोग मौजूद हैं 20-25 हज़ार लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, मुझे आप ये बताएं कि कभी आज तक आपने अपने ख्वाबों से कनेक्ट किया है? ठीक है, हो सकता है ये पहला, आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है जिंदगी में ये पहला मौका हो. कश्मीर की आज़ादी भी किसी का ख्वाब है, बाकी भी इस तरह के ख्वाब हैं. आज तक अपने ख्वाबों से आपने कभी कनेक्ट किया है कि जो कुछ आपके जहन में है यार, जिसे कहते हैं ना, एक उर्दू में गजल भी है बड़े कमाल की, ठीक है, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए, ठीक है, आपने अक्सर सुनी होगी. आज तक अपने ख्वाबों से आपने कनेक्ट कब किया है? कभी ऐसा मुमकिन हुआ है कि आपने, फॉर एग्जांपल, मुझे ओके चले मैं आपसे एक दिलचस्प एक्सरसाइज करता हूँ. जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, क्या आपके पास आपका ड्रीम्स जर्नल है? ड्रीम जर्नल क्या होता है? एक नोटबुक जिसमें आप अपने ख्वाब लिखते हैं. कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ड्रीम्स जर्नल मौजूद है? जी सही है सही है. ओके, एक बंदे ने कहा है. ओके जी, एक बंदे ने कहा कि है, बाकी सब कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं. ओके ठीक है, दिल में है. ओके, एक आपको एक क्रेजी बात बताता हूँ, आज क्रेजी पागलपन वाली बात बताता हूँ. वो ये है कि आपके माइंड में, आपके दिल में, तो जो चीज भी आपके माइंड में या आपके दिल में रहेगी, वो माइंड में और दिल में ही रुखसत हो जाएगी. बदकिस्मती से आपको आज मैं एक क्रेजी चीज़ बताता हूँ मेरे साथ, यानी आप आज के दिन जो कि यहाँ पे 18 जुलाई है, आपके पास तकरीबन कोई बजने वाले हैं 1:45, आपके साथ मैं एक एक्सरसाइज ये कर रहा हूँ, और मैं आपको एट द सेम टाइम एक, जिसे कहते हैं ना, वादा कर रहा हूँ आपसे कि आज आप जो जो ख्वाब लिखेंगे मेरे साथ, बाय द टाइम यू फिनिश इट, ठीक है, नादिया अशरफ ने कुछ कहा, पता नहीं क्या, यस का जिनों का, कि जो जो ख्वाब आपने लिखे होंगे ना, तो वो देखेंगे आपके, वो आपकी ज़िंदगी में सच्चे साबित हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन ख्वाबों को लिखा जाना शर्त है. ठीक है, ये एक शर्त मैं आपके साथ, और आपके साथ मैं वादा करता हूँ, मुझे दुनिया में कहीं भी पकड़ लीजिएगा, अभी हम ख़त्म करेंगे तो मैं आपसे डिटेल्स भी शेयर करूँगा. जितने भी आपके ख्वाब हैं और जितने भी क्रेजी ख्वाब हैं, और ख्वाबों को क्रेजी होना चाहिए, जिससे आपने लिखा आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं. खैर, प्राइम मिनिस्टर बनना कौन सा क्रेजी ख्वाब है यार, प्राइम मिनिस्टर तो आप बन, ये तो छोटे छोटे ख्वाब हैं. ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, एक खरब रुपया भी ले लेंगे, ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ड्रीम्स जर्नल बनाना है, एक नोटबुक बनानी है, जिसमें आपने लिखना है कि ये ख्वाब है, ये ख्वाब कागज़ के ऊपर लिखना है. जब तक आप उस ख्वाब को कागज़ के ऊपर नहीं लिखेंगे, आप ये बात गौर से सुनिएगा, जब तक आप अपने ख्वाब को अपने हाथ से कागज़ के ऊपर नहीं लिखेंगे, तो आपकी लोहे तकदीर जो है, ठीक है, जहाँ पे आपका सब कुछ लिखा हुआ, उसके अंदर वो कैसे लिखा जाएगा? आपसे पूछ रहा हूँ ये बात. जब तक आप अपने ख्वाब को कागज के ऊपर, नोटबुक के ऊपर नहीं लिखेंगे, तो आपकी जो लोहे तकदीर है, वो तकदीर जिसमें आपकी पूरी कहानी लिखी हुई है, वहां पर कैसे होगा, वहां पर कैसे लिखेंगे आप? तो पहली चीज जो है, जो आपने लिखनी है, अपने कागज के ऊपर लिखनी है. कागज के ऊपर नहीं लिखेंगे तो वो लोहे तकदीर के ऊपर किसी सूरत में नहीं जाएगी. तरीके हैं ख्वाब को सच्चा, अपने सपने को सच्चा करने के. आज हम उन तमाम तरीकों की तरफ जाएंगे, और मैं आपको, आपके साथ शेयर करूंगा जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में. जी बिल्कुल शहबाज जफर, जज्बे ए जज्बे दिल, अगर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल ला जाए,
मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। या आपने शायद कभी सुनी हुई गजल, नहीं तो फिर आप जैसे ही खत्म होता है आप उसके बाद वो गजल सुनिएगा, यही गजल जो कि अभी इन्होंने शेयर की है। और इस गजल की खूबसूरती क्या है कि ये आपको बताती है कि ख्वाब जो आपके दिमाग में मौजूद है, जब उसको आप तहरीर कर देते हैं उसके बाद वो सच्चा साबित होने का चांस उसका बढ़ जाता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं पावर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, तो खैर फिलहाल अंग्रेजी को आप छोड़ दें, इसको फिलहाल आप ये कह लीजिए कि ख्वाब अगर फॉर एग्जांपल, ये मैंने पूरी दुनिया में कोई 40-42 ममालिक में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग की और लाखों जगह लाइक स्पोक टू मिलियंस ऑफ पीपल, ये जहाँ कहीं भी जब ट्रेनिंग की, जहाँ कहीं भी ये सवाल पूछा, तो वहाँ पे यही होता था कि सिर्फ जो है ना तकरीबन कोई लेस देन 5% लोग कहते थे कि ख्वाब हमारे पास लिखे हुए मौजूद हैं। बाकी यही कहते थे यार कि अच्छा ठीक है वो हमारे दिमाग में है, मुझे पता है, बट दैट इज़ इट। लेकिन जब तक ख्वाब आप लिखेंगे नहीं ना तो ख्वाब सच्चा नहीं होगा। या ये एक इशू है जो दिल में ख्वाब छुपा के फिर रहे हैं ना कि यार ये मेरे दिल में है या ये मेरे दिमाग में है, तो वो फिर दिल और दिमाग जैसे ही उसकी दिमाग जब दिल ऑफ हो जाएगा तो ख्वाब भी उसके साथ ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक अभी हम एक अगली जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी खौफनाक किस्म की एक्सरसाइज है, और अगर आप उस खौफनाक एक्सरसाइज को करेंगे ना तो मेरा ये आई कैन गिव यू वंस अगेन माई प्रॉमिस के डैट कैन चेंज योर लाइफ और जो भी आपकी ज़िंदगी बाकी है। आपने अब जो भी आपकी उम्र है, आप 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 जितनी भी आपकी उम्र है, जो आपकी बाकी उम्र है वो पूरी पूरी बदल जाएगी अगर आप मेरे साथ वो एक्सरसाइज अभी करेंगे उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। जी जो भी आमिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राशिद जी बिल्कुल, अब मैं आपसे मजीद चीज़ें पूछता हूँ, लेकिन आप रेडी हैं एक्सरसाइज के लिए? ओके, अगर आप रेडी हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। अगली स्लाइड लाइएगा जी। जी ये तो था ना कि क्वेश्चन मार्क ख्वाब है कि इससे अगले आगे आ जाइए। जी ओके, अब मैं इस सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा मुश्किल किस्म का सवाल है और सवाल बड़ा सीधा सा है कि आज अगर मैं मर जाऊं इसी वक्त, इफ आई डाई टुडे, आज अगर मेरी मौत वाकई हो जाए, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जैसे कि ये 18 जुलाई है और आज के दिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ठीक है, आज अगर मैं मर जाऊं, ये सवाल आप सब के लिए, एंड आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ, क्या अगर आज मेरी मौत वाकई हो जाए, आज मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मैं क्या कुछ, कितने ख्वाब, कितने इरादे, कितनी नियतें, कितने करने वाले काम अपने साथ ले मरूंगा या ले मरूंगी। चलें मैं आपके साथ फिर पूछता हूं, अगर आज आपकी मौत वाकई हो जाए, यही जैसो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आप बहुत देर तक जिंदा रहें, लेकिन हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज अगर आप ये दुनिया छोड़ जाते हैं तो आप अपने साथ क्या कुछ ख्वाब, क्या कुछ नियतें, क्या कुछ इरादे साथ ही ले जाके मरेंगे अपने दिमाग और अपने दिल के अंदर रखते हुए? जी बिल्कुल इमरान शहजाद, सारे के सारे ख्वाब, सारे के सारे लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, ऑल ड्रीम्स, ऑल ड्रीम्स, कुछ कहते हैं जी नथिंग, कुछ कहते हैं नथिंग, लेकिन बहुत के, हाँ राना जमील, ताहिर हनीफ, अल्लाह बख्श, एवरीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ठीक है। जबेरिया कहती हैं जी कि अपने आमाल तो हैं, आमाल तो वो हैं जो आपने कर लिए, ठीक है, आमाल वो हैं जो कुछ हो गए, लेकिन आमाल हमारी ज़िंदगी का, आपको बड़ी दिलचस्प सी बात बताऊँ कि हमेशा 20% रहेंगे, ठीक है, जो 80% है ना जो आपने दिमाग में रखा हुआ है इधर कि यार ये चीज़ मैंने करनी है, ये चीज़ मैंने करनी है, मैं बड़ा होऊंगा, मैं मेरे पैसे आ जाएंगे, मेरे पास रिसोर्सेज आ जाएगी, मेरे पास जॉब आ जाएगी, मेरे पास इख्तियार आ जाएगा, तो फिर मैंने ये करना है, ठीक है, तो जो ये करना है ना वो आपकी वो नीयत है, आपकी नीयतें, आपके इरादे, आपके प्लानिंग, आपकी ड्रीम्स, ये सब कुछ आपने लिस्ट बनाई है, आपने लिखा आई हैव अ ड्रीम, अपनी लिस्ट की जाने देखिएगा
तो आपको नजर आएगा कि उस लिस्ट के अंदर जो ड्रीम्स मौजूद हैं, आपने 2, 5, 8, 10, 12, 15 सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में किसने लिखे, वो 14 ड्रीम्स थे, ठीक है। और 14 ड्रीम्स या अगर हम मजीद एक्सरसाइज करें, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि हमने मैंने ये एक्सरसाइज बहुत दफ़ा कराई हुई है। एक दफ़ा मैंने ये 8 घंटे के सेशन के अंदर सिर्फ सिर्फ ये एक्सरसाइज कराई और सबसे ज़्यादा जो एक बंदे की ड्रीम्स थे तकरीबन वो अराउंड 2600 ड्रीम्स थे, 2628, ठीक है। इतने ड्रीम्स भी हो सकते हैं। अभी तो आपने ये सिर्फ 20 सेकंड में लिखे हैं, मैं आपके साथ अगर काम करूँ तो तकरीबन 500, 1000, 1200 इतने ड्रीम्स आपके सामने आ सकते हैं। ड्रीम क्या है? ड्रीम आपकी नीयत है, आपका इरादा है कुछ करने का, और ये कि काश ये सच्चा हो जाए, ठीक है। ड्रीम ये है कि आम चीज़ से बड़ी चीज़ होती है जो आप समझते हैं। आप कश्मीर की आज़ादी से लेके आपने लिखा वो सब कुछ आपके जहन में मौजूद है, उसमें हज भी है, उम्रा भी है, आप इंसानियत की भलाई भी करना चाह रहे हैं। अच्छा ओके, जवेरिया वहीद ने कहा जी कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया में जो कुछ मैंने किया वो मुझे ज़िंदा रखेगा। बिल्कुल ठीक है, जो कुछ आपने किया वो आपको ज़िंदा रखेगा, ठीक है। अब हम ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग भी इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, आप क्या कीजिए, आप जल्दी से अपनी आंखें बंद कीजिए मेरे साथ जैसे मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, और आप मेरी बात सुनिए जैसे कि मैं आपके साथ ये बात दोहरा रहा हूँ। या अगर आज मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो कितने ख्वाब, कितनी नीयतें, कितने इरादे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और जैसे जैसे मैं आपसे बात कह रहा हूं, आप अपनी आंखों के सामने, अपनी बंद आंखों के सामने या आंखों के पीछे वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं कि वो इरादे कौन से हैं, वो नीयतें कौन से हैं, वो कौन से काम हैं, वो कितने काम हैं जो आपने कर रहे हैं, और उसकी फहरिस्त आपके पास मौजूद है। आप उन कामों को देख भी सकते हैं, उन कामों को सुन भी सकते हैं, उन कामों को महसूस भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलिए और वापस आइए, और अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको वो सारे ख्वाब, क्योंकि आज अभी तक आप जिंदा हैं, ठीक है, हमने ये एक्सरसाइज क्यों की, क्योंकि हम सब ने मरना है। हमने ये एक्सरसाइज किस लिए की, क्योंकि हम सब ने फड़क जाना है, ठीक है। वो आज कल परसों तरसों, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कोई भी टाइम होगा, ठीक है। लेकिन आप यूँ समझिए कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद हर वो वक्त जो आपको मिल रहा है वो आपका बोनस टाइम है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसी वक्त जैसे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, तो आप अपने साथ सब कुछ वो ले जाएंगे। लेकिन अब आपको जितना वक्त भी मिल जाता है इस प्रोग्राम को देखने के बाद, वो समझ लीजिए कि आपको बोनस वक्त है। वो सारी नीयतें, इरादे, ख्वाब जो यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, उनको कागज़ के ऊपर ले आए, ठीक है, उनको कागज़ के ऊपर ले आए, और उसके बाद जितना वक्त भी आपको मिलता है वो सारे के सारे ख्वाब हमने सच्चे साबित कर रहे हैं और उन तक पहुँचना है, ठीक है। अब ये जो फीलिंग है ना कि अच्छा अपनी कब्र में वो सारे के सारे नए इरादे, अच्छे इरादे, बड़े इरादे, ख्वाब, सपने साथ ही लेके जाके मरना है, या ताकि कब्र के ऊपर जाके बूटा हो गया, या वाकई इनको करना है, उनको करने के लिए जो आपके दिमाग में है या आपके दिल में है रुकावट क्या है, जी बताएं रुकावट क्या है, ख्वाब देखने और ख्वाब को सच्चा करने में रुकावट क्या है, बताएं मुझे। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, सब मुझे जवाब दीजिए कि उस पैसा, ठीक है, पैसा रुकावट है, डिटर्मिनेशन रुकावट है, चैलेंजेस रुकावट है, इन्वेस्टमेंट रुकावट है, पैसा इन्वेस्टमेंट, हार्डवर्क, टाइम एंड मनी, ठीक है, फाइनेंस, अल्लाह की मर्जी, विलिंगनेस, कॉन्फिडेंस, आई माई सेल्फ, वाह ओके जबरदस्त। अब जितने यहाँ पे हजारों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, एक बंदे ने को वाकई पता है कि रुकावट कौन सी है, ठीक है, और वो रुकावट है आई माई सेल्फ, मैं खुद। ये चीजें में रखें कि जितने आपके ख्वाब हैं, जो आपने कागज के ऊपर लिखे हैं, जो आपने भी सोचे हैं, खुदा ना खास्ता अगर आज आप फड़क जाएं तो क्या कोई साथ ही लेके दुनिया से चले जाएंगे, ये चले जाएंगी,
तो उसमें और होने में और ना होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो आई माई सेल्फ है, आप खुद। ख्वाबों के दरमियान और आपके दरमियान जो दीवार है, वो दीवार आपकी अपनी बनाई हुई है। वो दीवार कितनी ऊंची है? वो 5 फुट है, 100 फुट है, 1000 फुट है। आप में से बाज़ लोग होंगे वो देख रहे होंगे अपने ड्रीम्स को, तो वो 1000 फुट की दीवार होगी, उसके पीछे वो ख्वाब मौजूद होंगे। एनवायरनमेंट, रुकावट क्या है? आप कहेंगे ये पैसा, तालीम, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, ये गांव, ये शहर, यहाँ के लोग, ये मुल्क, यहाँ के लोग, एनवायरनमेंट, जब ये कहते हैं जी एनवायरनमेंट, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स कौन से होते हैं? चलें अभी हम छोड़ते हैं भी फियर ऑफ लॉस, ठीक है। तो जो आपके ख्वाब हैं और आपके ख्वाबों तक पहुँचने में जो दीवार है, जो कि आपने खुद बनाई हुई है, ठीक है, इस दीवार का जो भी मिसाला है, जो भी इसे कहते हैं सीमेंट है, रेत है, वो आपने खुद प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। जफर इकबाल जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त शेयर भी किया है, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, हम कहते हैं यार कि अच्छा इसी है, अब फिर कुछ इसी एनवायरनमेंट में, इसी तालीम के साथ, पैसा ना होते हुए, इन्वेस्टमेंट ना होते हुए, फिर आप देखते हैं कुछ लोग हैं अपने ख्वाब हासिल कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या वो कोई लकी लोग होते हैं या वो लोग कौन होते हैं? ख्वाबों का एक जर्नी है, उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। पीछे जाइएगा प्लीज़। एक चरवाहा जो है, एक गडरिया है, उसकी कहानी है। हम आपके जी बिल्कुल मोहम्मद अरशद कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर बनना भी एक ख्वाब है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन के करना क्या आपने, वो भी एक ख्वाब है, ठीक है। बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और वो ख्वाब, उसके बावजूद उस ख्वाब तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ये जर्नी है हमारा, कहानी ज़िंदगी की खूबसूरती यह है कि जैसे जैसे हम इसको मास्टर करते हैं, गुजारते हैं, हम साथ साथ जानते चले जाते हैं कि हमने उस जर्नी में आगे आता क्या है। तो आपको एक चरवाहे की कहानी सुनाते हैं, ठीक है। आप में से कोई चरवाहा है, कोई गडरिया है, शेफर्ड जिसको कहते हैं, क्या यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं है कोई? जी कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जी स्लाइड हमारी कहाँ गई, उस बेचारे चरवाहे वाली स्लाइड? जी वो आ रही है, कुछ उसमें इश्यूज आ रहे थे इसलिए मैं उसको सेटल कर दूं साथ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। राइट, तो हमारे सामने एक चरवाहा है और ये चरवाहा है, उसके साथ आपको बकरियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, और जिसको तोबा कहते हैं तालाब। फॉर एग्जाम्पल, ये आपसे मैं किसी शेयर कर रहा हूँ कि अभी तक क्योंकि मुझे नजर आया कि आप में से कोई भी चरवाहा नहीं है, आप सब काफी अच्छे बेहतर। अच्छा जी, आपने जावेद चौधरी, इन्होंने कहा जी कि मैं हूँ, जबरदस्त। चले एक चरवाहा है, चले कम अज कम हमारे पास एक चरवाहा आ गया। हमें चरवाहा की स्लाइड चाहिए जी। चरवाहे की स्लाइड पे आप आते हैं तो आप देखते हैं जी कि बंदा खड़ा है अपनी सोटी पकड़ के, हाथ में बकरियां साथ खड़ी हैं, गाय साथ खड़ी है, और एक तालाब मौजूद है जिसके अंदर से वो पानी पी रही हैं। तो ये जो बंदा पैदा हुआ है, ये इनफैक्ट इसी तरह के इलाके में पैदा हुआ, ये अंगाबादी सुन्स के असर में पैदा हुआ। आप में से कोई वादी सुन से मुतलक है मौजूद? ओके, और ज़बरदस्त, अच्छा ज़बरदस्त, आप में से बिल्कुल, आपने हैदर उस्मान, उन्होंने कहा कि बिल्कुल खुशाब से हैं मौजूद, वाजी वाह, ज़बरदस्त। तो जो ये चरवाहा है, ये वहाँ पे पैदा हुआ अंगा में, और ये उसका बचपन है जिसमें आप निकलते हैं बकरियों को लेके, जानवरों को लेके, और वहाँ पे बाहर जाते हैं, और जब आप यहाँ पे इसको देखते हैं और क्या देखते हैं कि एक ये पॉन्ड्स हैं, आपको पता ही है जो लोग पंजाब में रहते हैं या पाकिस्तान में किसी जगह भी रहते हैं, इनफैक्ट वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छा वाजिब है उछाली अहमद ज़ाद हैं, उछालीस हैं, जो कि इस चरवाहे का समझ लीजिए कि उस पेंड का साथ वाला गांव है, उसके ग्राई हुई फिर तो वाजिब अच्छा अंगा में जा चुके हैं जावेद चौधरी साहब, ज़बरदस्त। मैं भी चरवाहा हूँ, काशिफ सुभानी, वाजिब काशिफ, ये तो फिर आप और ये चरवाहा जो हैं ये पेटी भरा हो गए इस तरह से। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी मौजूद नहीं था, ये खैर अभी सरकारी नल लग गया है जिसमें पानी आ जाता है, अलग बड़ा करम हो गया। लेकिन ये ऐसी सरजमीन थी, ऐसी जगह थी जहाँ पे जहड़ थे और उसके अंदर इंसान भी और बकरियाँ और सारे मिलजुल के पानी पिया करते थे, तो वो भी ऐसी जगह पे पैदा हुआ। और आप देख सकते हैं ये तकरीबन इस तस्वीर में तो वो चरवाहा मौजूद नहीं है, लेकिन तकरीबन ये एग्जैक्टली ये तस्वीर और ये जो अजड़ है जिसको कहते हैं, जो जिसमें फ्लॉक, जिसमें आप गाय बकरियां भैंसे सब कुछ इकट्ठा करते हैं,
और ये तकरीबन उसके बचपन की तस्वीर है, समझ लीजिए जब वो 10 11 12 साल का था, तो ये उस वक्त की तस्वीर है। अब एक चरवाहा है जो जिसके दिमाग में कुछ ख्वाब हैं, लेकिन हम आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। मोहम्मद अरशद ने कहा मैं सोन वैली में गया हूँ, और ज़बरदस्त जी मोहम्मद अरशद। अच्छा, ये जो चरवाहा, ये उसकी शक्ल है, चूँकि उस इलाके में सोन वैली में लोग इस तरह पगड़ वगड़ बांधते हैं, तो आपको ये जो वो चरवाहा है वो जवान होता नज़र आ रहा है। आपके राइट हैंड पे जो स्लाइड है उसमें आप देख रहे हैं कि ये घर है जिसमें वो पैदा हुआ, और ऐसा ही घर है जिसमें जो आप पाकिस्तान के 90% बल्कि शायद 100% जो घर हैं गांव के अंदर उनको देख सकते हैं। उसमें मिट्टी से बने हुए, मिट्टी से लेप की हुई चीज़ें आपको नज़र आ रहा है कि एक फर्श है मिट्टी, कुछ ईंटें वीटें पड़ी हुई हैं, और जो सात दरवाज़ा सब कुछ, और आपको इसमें कुकड़ भी नज़र आ रहा है। स्लाइड कुछ लोग कहते हैं जिनको स्लाइड नज़र नहीं आ रही, तो स्लाइड होपफुली नदीम अकरम जो है आपका मसला हल कर देंगे। अच्छा, तो आप देखते हैं कि ये एक बैकग्राउंड, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये वो बैकग्राउंड है जिससे आप इससे नीचे नहीं जा सकते। आप कहते हैं यार कि जो ठीक है मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, एनवायरनमेंट आपका मसला है, जो बाकी रिसोर्सेज आपका मसला है, तो आप कहते हैं यार कि आपके पास क्या कुछ रिसोर्सेज मौजूद है। मेरे ख्याल में आप जो चरवाहा मैंने आपको दिखाया, या जो मैंने आपको ये क्या कहते हैं बच्चा दिखाया जिसके हाथ में हाकी है ऑन द राइट साइड द फर्स्ट वन, तो ये वही वाला चरवाहा है। और ये कुकड़ जो है ये अभी तक तो खाया जा चुका है, काफ़ी अर्सा पुराना कुकड़ है। तो हम इस अभी स्लाइड पे चलते हैं। ये ऐसी बैकग्राउंड आपको दिखाया कि जो बैकग्राउंड है इसके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, हमने इम्पॉसिबल और आई एम पॉसिबल जो है ना उसके बारे में बात की, और आई एम पॉसिबल और इम्पॉसिबल को हम मज़ीद ज़रा देखते हैं कि हमें वो नज़र किस तरह से आता है, विजुअल शेप के अंदर कैसे नज़र आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक दरख्त है जिसके एक साइड पर हरा भरा है, उसके ऊपर रब ने फजल किया हुआ है और वो सब्ज़ पत्ते नज़र आ रहे हैं, और दूसरी साइड पर वो झड़ा हुआ है और वो बिल्कुल खाली है। तो आई एम पॉसिबल और इम्पॉसिबल माइंड सेट यही होता है कि आपने जो कुछ ख्वाब लिखे, आप कहते हैं ये सारे के सारे ख्वाब तो मुमकिन है, ठीक है, ये सारे के सारे ख्वाब सच्चे हो सकते हैं, और उन ख्वाबों को सच्चा करने का फिर एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस अभी वो जिसे कहते हैं ना कि जिसे नुस्खा कहते हैं, प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि जो कुछ आपने अभी तक सोचा है, ख्वाब देखा है, चाहे जागती आंखों से देखा है, सोती आंखों से देखा है, और जो आपने ये भी सोच लिया है कि यार अगर आज के दिन मैं फड़क जाऊं तो ये जो कुछ मैंने सोचा है तो ऐसे मेरे साथ चला जाएगा, तो हमने पहला क्या डिसीजन किया है, हमने डिसीजन ये किया है कि जो कुछ भी हमने आज के दिन देखा है उसको हमने लिखना है, और फिर उसके बाद हमने उसको करना है, वरना तो सब के सब साथ ऐसी जिस तरह से चिप में आया ना, चिप के अंदर डल के उसी चिप के अंदर ही वापस चला जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल माइंड सेट जो है वो एक ऐसा माइंड सेट है जो देखता है यार हर चीज़ उजड़ चुकी है, वीरानी है, और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। और एक आई एम पॉसिबल माइंड सेट है, वो कहता है वो हरा भरा है, उसने रब ने उस पर फल फूल लगाए हैं, और वो कहता है कि यार सब कुछ हो सकते हैं, ख्वाब ये सपने जो है वो सच्चे हो सकते हैं। तो ये जो एक छोटी सी ड्राइंग है ये आपको इनफैक्ट उस तरह की चीज़ दिखा रही है। चलिए हम चरवाहे की कहानी की तरफ वापस आते हैं, और हमने कहा जी कि चरवाहा जो है वो ख्वाब देखता है, और वो ख्वाब जो आई एम पॉसिबल वाले ख्वाब हैं। वैसे आप लोगों के लिए जो लोग इसमें जानने में दिलचस्पी रखते हैं, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा कि ये जो आई एम पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल को जो आई एम पॉसिबल सबसे पहले इस बंदे ने कहा था, वो कौन है ये आप सामने नजर आ रहा है आपको, आप इस बंदे को जानते हैं? बहुत जवाब जी जुल्फकार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ही इज द ग्रेट मोहम्मद अली, ठीक है, और दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन, और वर्ल्ड चैंपियन दुनिया में बेशुमार गुजरे हैं, लेकिन मोहम्मद अली कोई नहीं गुजरा, ठीक है। और मोहम्मद अली का जो सबसे बड़ा नारा हुआ करता था, आप बिल्कुल जी बॉक्सर मोहम्मद अली, ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो मोहम्मद अली ने ये सबसे पहले बात 1960s में की थी, ये बात कोई पहली दफ़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बात है ना कि इम्पॉसिबल जो है वो आई इम्पॉसिबल है, ये किसने की थी? ये की थी ग्रेट मैन हीरो जी वहीद इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली बॉक्सर जी सबा, बिल्कुल ठीक। तो मोहम्मद अली बॉक्सर जो है ये इसका कमाल यही नहीं है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन था, वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन था ये, और उसमें कई साल रहा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर आपसे मैं कहूँ जिस चीज़ के पिछले 50 साल में कितने लोग वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन रहे हैं, तो आई कैन
मैं आप सब लोगों को शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपको दूसरा बंदे का नाम ज़हन में नहीं आएगा, आपको मोहम्मद अली का नाम ज़हन में आएगा। वाई? उसके पीछे एक कहानी है, ठीक है, और वो कहानी आपसे इसलिए मैं शेयर करूँगा कि मोहम्मद अली का जो असल नाम था वो कैसियस क्लेथ नाम था इसका, और जिससे आपको इल्म है कि जो सियाफाम थे अमेरिका में उनको ग़ुलाम बनाया गया, और वो एक ग़ुलाम ख़ानदान से ही था, और उसका जो ग़ुलाम नाम था वो कैसियस क्ले था। फिर उसने अल्लाह ने उसको रोशनी दिखाई, उसने इस्लाम कबूल किया और उसने अपना नाम मोहम्मद अली रखा, ठीक है। बिल्कुल आपने माइक टायसन का जिक्र किया, बिल्कुल वो भी एक, लेकिन माइक टायसन और इस तरह से बहुत से लोग हैं दुनिया भुला चुकी है, मोहम्मद अली लोगों को याद है। आज भी दुनिया में कहीं भी अजमत की बात होती है तो लोग मोहम्मद अली को सोचते हैं। मोहम्मद अली ने जो एक काम किया उसने बहुत से शानदार काम किए, लेकिन एक काम उसने बड़ा कमाल का किया, और उसने ये कहा जी ये जो इम्पॉसिबल है ना लफ्ज इम्पॉसिबल कि ये नहीं हो सकता, ये बात गौर से सुनिएगा, उसने कहा कि इम्पॉसिबल कि इम्पॉसिबल क्या चीज़ होती है, आप कहते हैं नामुमकिन कि ये नहीं हो सकता भाई, छोड़ दें, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो कहता है कि जो इम्पॉसिबल है ये आपके इर्द गिर्द रहने वाले बड़े लोग, फने खान, जागीरदार, सरमायादार, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये उनका लफ्ज है, वो आपको बताते हैं कि यार एक ही कर रहे हैं, नहीं हो सकता, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और ये लफ्ज वो आपके ऊपर फेंकते हैं, आपको बताते हैं कि नहीं, ये आपको हाथ दिखाते हैं, वो कहते हैं कि स्टॉप, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता ये, और आपको वो बताते हैं कि इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास तालीम नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी सारी जो आपने मुझे ढेर सारी हंड्रेड ऑफ रीजन दिए आपने मुझे कि आप इसे नहीं कर सकते, कि एनवायरमेंट ऐसा है, पैसा नहीं है, तालीम नहीं है, घरेलू मसाइल हैं, सेहत अच्छी नहीं है, बेशुमार चीज़ें आपने दी हैं मुझे, तो आप वो कहता है जी इम्पॉसिबल, ये आपके जो इर्द गिर्द के जोर आवर किस्म के लोग जो हैं वो आपको बताते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि इम्पॉसिबल उनके हाथ में एक फंदा है, वो आपके गले में डालते हैं, ठीक है, आपको कहते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास ये 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 नहीं है, ठीक है। और एक तरीका है कि आप उसी फंदे को घुमा के उनके मुंह पे मार सकते हैं, और वो ये है कि आप आज़ाद जहन से सोचते हैं, ठीक है, आप इम्पॉसिबल, वो कहते हैं कि डेयर है, एक चैलेंज है, इम्पॉसिबल ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये उस बंदे का चैलेंज है जो कि आपसे तगड़ा है और आपको बताता है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, और आपके आपके बस में क्या है कि आप वही चैलेंज घुमा के उसके मुंह पे दे मारते हैं, किस तरह से, उसी इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके। तो वो जो आखिर में कहता है इस सारी बात को घुमा फिरा के, वो कहता है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। आपने अगर एडिडास के जूते पहने, या आप में से जो जो लोग एडिडास के जूते यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा एडिडास का एक बहुत बड़ा एड है, और वो है इम्पॉसिबल इज नथिंग। इम्पॉसिबल इज नथिंग जो है वो मोहम्मद अली, ग्रेट मोहम्मद अली जो है वो उसका एक कॉल है, और मैं उससे इंस्पायर्ड हुआ इस सारे प्रोसेस के दौरान, और आज हम देखते हैं ये है कि आप में से कितने लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं। जी, तो मोहम्मद अली से हमने सीखा इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल है, और हम आते हैं अब एक बार फिर उस चरवाहे की स्क्रीन पे आइएगा वापस, तो आपको एक दिलचस्प बात दिखाता हूँ कि ये जो चरवाहा था, जी ये वाला, ये चरवाहा है जो कि पैदा हुआ वादी सुंस के सर में, और अपने अजड़ के साथ, अपनी बकरियों भेड़ बकरियों के साथ चलता फिर रहा है। इसी तरह से वो जंगल में जाता है और वो सोचता है कि यार, और वो कभी जंगल में जब जाता है तो कभी भेड़ बकरियों के साथ उसे ऊँग लग जाती है, आँख लग जाती है, और उस वक्त भी ख्वाब देखता है, और फिर रात को सोता है तब भी ख्वाब देखता है, वो बड़े क्रेजी किस्म के ख्वाब देखता है। आपको उसके मैं पांच ख्वाब उसके शेयर करता हूँ, ठीक है। अब ये जो चरवाहा है ये ख्वाब देखता है, और इसके जो ख्वाब बड़े दिलचस्प किस्म के हैं, आपको उस ख्वाबों की झलक दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, ख्वाब क्रेजी होने चाहिए, ख्वाब वो नहीं होने चाहिए जो आप नॉर्मल रूटीन वाले हैं, ख्वाब होने ही क्रेजी चाहिए। तो चरवाहे का जो ख्वाब था, ठीक है, आप बस अंदाज़ा कीजिए कि एक जंगल में बकरियों के साथ बंदा फिर रहा है, वो कभी वहाँ पे सोता है, कभी रात को सोता है, तो उसको जो ख्वाब नजर आते हैं उनमें से एक ख्वाब उसका यह है कि जो मिस वर्ल्ड है उसके साथ, उसने कभी टीवी पे देखा जो किसी ने उसको बताया ये दुनिया मुकाबला होता है और एक मिस वर्ल्ड है, तो मिस वर्ल्ड जो है उसके साथ
डिनर होना चाहिए, ठीक है। अब आप ख्वाब देखें, आप बताएं कि ख्वाब क्रेजी है या नहीं है, बताएं। एक चरवाहा कहता है जी के अब ख्वाब उसको क्यों लगा के मिस वर्ल्ड कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है या उसके साथ डिनर करना भी कोई उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन ख्वाब क्या क्रेजी है या नहीं है, है क्रेजी, पागल बिल्कुल। और ख्वाब ख्वाब क्रेजी होना चाहिए, वरना ख्वाब तो ना वो तो थिंग्स टू डू हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने जी, यस अफर्मेटिव। तो दूसरा उसका ख्वाब क्या है, वो कहता है जी ओके मैंने फौज में कप्तान बनना है, ठीक है कैप्टन बनना है। अच्छा अब ये चरवाहे का एक और ख्वाब है, ये बताएं ये अच्छा जी मेहर नासिर आप कहती हैं कि क्रेजी नहीं बिल्कुल पागलपन है, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब वो कहता है एक तो उसका ख्वाब ख्वाब की वैरायटी देखें कि एक ख्वाब उसका मिस वर्ल्ड के साथ डिनर करना है, ठीक है जंगल में घूमते हुए, और दूसरा ख्वाब है वो है कि अच्छा मैं फौज में कप्तान बन जाऊँगा, ठीक है फौज में कैप्टन बनना ख्वाब है। फौज में कैप्टन बनना ख्वाब ये भी आप बताएंगे कि अच्छा ये ख्वाब भी क्रेजी है या नहीं है, बहुत से लोग हैं फौज में कैप्टन बन ही जाते हैं। ये जो चरवाहा था इसके जो वाले साहब थे वो भी फौज में सिपाही भरते हुए फिर सूबेदार रिटायर्ड हुए, तो ये दूसरा ख्वाब उसका था कि फौज में कप्तान बनना है। अच्छा तीसरा ख्वाब देखें जरा, ये बड़ा दिलचस्प, आप देखते हैं कि स्क्रीन पे कौन मौजूद है, आप इसे कितने लोग इस शख्स को जानते हैं जी, आप में से कितने लोग इस शख्स को जानते हैं जी, बिल्कुल 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 ठीक है आपने पहचान लिया, जबरदस्त जी तहसीन जी बिल्कुल, बूटा हिफ्जा जी, राना सनाउल्लाह, असद बशीर जी, सैफुल्ला, जबरदस्त आपने पहचान लिया, ये शख्स है बिल क्लिंटन। जब चरवाहा बड़ा हो रहा था, ये बात है 1990s की, तो 1990s थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये अमेरिका के सदर रह चुके हैं बिल क्लिंटन, और दो टर्म्स इन्होंने की और बहुत ही फेमस सदर हैं अमेरिका जो है, हमारे कुछ ट्रेनिंग्स के लिए अपडेट कर रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी, मैं एग्जैक्टली वही बताने जा रहा था। जो शख्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये गोरा चिट्टा, ये बंदा जो है ये अमेरिका के सदर है बिल क्लिंटन, और इसने 8 साल तक ये अमेरिका के 2 टर्म्स के अंदर सदर रहा तकरीबन जी बिल्कुल, ये 2000 से पहले 1992 से लेकर तकरीबन 2000 तक। तो बिल क्लिंटन जो है अमेरिका के कामयाब तरीन जो सदर हैं उनके अंदर शामिल होता है। तो उसी चरवाहे ने इसकी शक्ल देखी, बड़ा सा ये पोस्टर देखा उसका किसी अखबार के अंदर, उसने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा जी ये बिल क्लिंटन है, उसने कहा बिल क्लिंटन क्या होता है, उन्होंने कहा जी अमेरिका का सदर है, उसने कहा अमेरिका क्या होता है, अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की और ये उसका सदर है। तो चरवाहे ने कहा अच्छा ठीक है मैं फिर एक दिन जो है वो बिल क्लिंटन से मिलूंगा, ठीक है। अब आप ये उसका तीसरा क्रेजी ड्रीम था, ठीक है, उसने कहा जी मैं बिल क्लिंटन के साथ जाके उससे जाके वो क्या कहते हैं हाथ पंजा मिलाऊंगा, उसके जाके मैं हैंड शेक करूंगा। अच्छा फाइन, अब एक बंदा जो कि जंगल में बकरियों के साथ फिर रहा है, ये उसका तीसरा ख्वाब था। अब ये बताइए कि ये कैसा ख्वाब है, कितना क्रेजी ख्वाब है ये, ठीक है क्रेजी ख्वाब है या नहीं है। एब्सोल्युटली क्रेजी, बिल्कुल 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 क्रेजी जी इरफान, ये क्रेजी, ये वो वाला बिल्कुल क्रेजी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी इरफान महमूद, तो बिल्कुल ये इसका तीसरा ख्वाब था। अच्छा फिर उसके बाद एक चौथा ख्वाब भी है, चौथा ख्वाब क्या है ये आप सामने देख रहे हैं, ये जगह मुझे लगता है कि आप में से बहुत कम लोगों के लिए होगी, जिसको पता है ये जगह कौन सी है अगर मुझे बताएगा तो मैं उसको एक प्राइज़ दूंगा, एक दिलचस्प किस्म का प्राइज़ दूंगा आपको। अगर स्क्रीन नज़र आ रही है और स्क्रीन पे आपको कुछ नज़र आ रहा है तो ये एक जो जगह आप देख रहे हैं, अगर आपके इल्म में ये जगह कौन सी है तो वाह जी वाह ज़बरदस्त, ये तो काफ़ी सारे लोग हैं, वकास जी, वकास बिन तारिक आपने पहचान लिया, आपने 2-3 लोगों ने अभी लिखा है टाइप किया है, ये पार्लियामेंट ओके ऑक्सफर्ड ज़बरदस्त बिल्कुल, जिन लोगों ने पहले किया उनको बिल्कुल ये आई लिव माई वर्ड कि आपको बिल्कुल इनाम मिलेगा एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट इट। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनियन हॉल, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हिस्सा आप समझ लीजिए इस तरह से नहीं, एक इंडिपेंडेंट जगह है, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन हॉल है, और आप इसमें देख रहे हैं इसमें तस्वीरें लगी हुई हैं, इसी में अमेरिकन सदर की तस्वीरें लगी हुई हैं, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी लगी हुई हैं, इसमें जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी तस्वीर भी लगी हुई है इसके अंदर।
तो ये ऑक्सफोर्ड यूनियन का हॉल है, और दुनिया में अगर पांच सबसे जो बड़ी जगह हैं जहां पे आप कहते हैं जी कि दुनिया के जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, या स्पीकर्स नहीं आप लीडर कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर्स हैं, या बहुत बड़ा उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, या दुनिया के जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने दुनिया तब्दील की है, उनका ये ख्वाब ये होता है कि हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन हॉल के अंदर जाके बोलें। ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा खसूसी हॉल नहीं है, लकड़ी बकड़ी का काम किया हुआ है, इसमें तकरीबन कोई एक वक्त में बैठ जाते हैं तकरीबन कोई 300-350 के आसपास लोग। तो चरवाहे का जो चौथा ख्वाब था वो देख लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनियन हॉल, तो वो इसी जैसा बाकी क्रेजी ख्वाब थे मिस वर्ल्ड से स्टार्ट होके, तो उसका ख्वाब ये था जी कि मैंने एक दिन जाके ऑक्सफोर्ड यूनियन हॉल में जाके अपनी तकरीर करनी है, ठीक है। तो ये एक और उसका ख्वाब था, वाह जी वाह, बिल्कुल क्रेजी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या जी, बिल्कुल आपने वाह जी वाह, आपने गूगल कर दिया कि 368 लोग बैठते हैं, बिल्कुल मैंने आपसे यर्ज किया कि तकरीबन 350 के आसपास की सीटिंग कैपेसिटी इसकी। और फिर उसका पांचवा ख्वाब था, पांचवा ख्वाब उसका ये था, आप देखते हैं स्क्रीन पे कौन है, जी बिल्कुल एलिजाबेथ जी क्वीन जो है, ये उनका ख्वाब था पांचवा। उन्होंने कहा जी कि ये मलका बरतानिया है, जी बिल्कुल आपने ठीक है, गुलाम अरशद और शकीला इकबाल, बिल्कुल आपने शायद आपने कहा जी चरवाहे को ये सब कुछ बताता कौन था। अब ख्वाब जैसे आपने अगर ख्वाब लिखे ना अपने कागज के ऊपर, तो फिर अपने आप से आप पूछें कि ये ख्वाब आपको बताया किसने। ख्वाब तो आप देखते हैं ना, आपने टीवी पे देखा, आपने न्यूज़पेपर पे देखा, आपने किसी से सुना सुनाया, ठीक है, किसी भी हिसाब से आपने किसी और चरवाहे से सुन लिया कि दुनिया में एक मुल्क है जिसकी एक मलका बरतानिया है, तो आप कहीं से भी सुन सकते हैं। तो ये जो क्वीन है, चरवाहे का पांचवा ख्वाब ये था कि उसने क्वीन से जाके मिलना है, मलका बरतानिया से। उसकी इज्जत ये थी कि उसके इलाके में बहुत से लोग जो के कहानियाँ सुनाया करते थे, चूँकि उसके इलाके में बहुत से लोग फौजी थे, तो वो कहते थे जी कि मलका है, बरतानिया है, बरतानिया दुनिया का एक वक्त में सबसे बड़ी सुपर पावर थी। और बिल्कुल, तो आप सशर उनका कहना जी कि काफ़ी जो चरवाहा था वो काफ़ी अपडेटेड किस्म का चरवाहा था, और चरवाहा चूँकि सुना उसने सुनी सुनाई कहानियाँ थी उसके पास, कभी टी वी पर देखा, कभी अखबार में देखा, तो अखबार में उसने देखा कि ये कौन, उसने कहा जी मलका बरतानिया, अच्छा मलका बरतानिया कौन है, उसने कहा जी किसने कहा जी बरतानिया दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी ये मलका है और ये बहुत पावरफुल दुनिया के मोस्ट पावरफुल ख्वातीन में से एक है। उसने कहा अच्छा वाह जी वाह, मैं इससे मिलूंगा, ठीक है। अब ये चरवाहा जो था ये इसके ख्वाब है, और यहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट होता है, जर्नी स्टार्ट होता है तकरीबन 25-30 साल पहले, पढ़ा लिखा चरवाहा हाँ बिल्कुल। तो अब ये जो चरवाहा है ये आगे इसने सोचा कि अच्छा ये सारे ख्वाब अगर सच्चे, उसने क्या किया, उसने ख्वाबों को कागज़ पे लिखना शुरू किया, तो किसने उसको बताया कि ये ख्वाब अगर सच्चे करने हैं तो फिर स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। अब उसके इलाके में जो कि स्कूल जो था वो प्राइमरी और मिडिल के आगे स्कूल नहीं था, और उसके बाद फिर आगे 20-30 मील तक जाना पड़ता था, तो फिर क्या हुआ, जो चरवाहा था उसके जो चाचा थे वो उसको ले गए मुल्तान के अंदर, और जो मुल्तान में आप देख रहे हैं एक स्कूल है, और ये स्कूल में सिर्फ यही पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही ये बिल्डिंग थी, इसके अलावा जो था ये तपती दोपहरों के अंदर कच्चे लेप किए हुए कमरे थे, क्योंकि अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी थी। जब आप इन जी बिल्कुल नासिर आप मुल्तान से हैं, आप देखते हैं कि ये जो सारे के सारे बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तकरीबन वही हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आप समझ लीजिए कि आप में से सब लोग शायद इसी तरह के स्कूलों से पढ़े होंगे, आप में से बहुत से लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े होंगे, प्राइवेट स्कूलों से पढ़े होंगे, लेकिन एक ऐसा सरकारी स्कूल जो आपको नज़र आ रहा है कि इसके पीछे एक बिल्डिंग है छोटी सी, और अगर ये बाकी शायद आपको इसके पीछे राइट साइड पर जो कच्चा सा लेप के कमरे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त स्कूल में सिर्फ ये एक बिल्डिंग थी जिसमें हेडमास्टर साहब बैठा करते थे, और उसके अलावा सारे कच्चे लेप के कमरे थे, उसके अलावा और कोई कमरा नहीं था, या फिर दरख्त नीचे बैठ के पढ़ा करते थे बच्चे। तो ये एक स्कूल है इसमें जहाँ पे उस चरवाहे ने मैट्रिक किया, और ये तो मैं आपको इसी दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अगर अपने मैट्रिक की तस्वीरें देखेंगे तो आपको इसी तरह की शक्लें नज़र आएंगी, इसी तरह के लोग नज़र आएंगे, और बहुत से हवालों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये ऐसा ही स्कूल था, ऐसी जगह थी जहाँ से मैंने भी किया। अच्छा, अब चरवाहा जब इस सफ़र पर आगे जाता है तो
उसे ये बताया जाता है कि यार ये जो कुछ तुमने सोचा है, जो कुछ तुमने ख्वाब देखा है और कैसी कैसी क्रेजी किस्म के ख्वाब हैं, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने कप्तान बनना है, फिर मिस वर्ल्ड के साथ डिनर करना है, और फिर बिल क्लिंटन के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलना है, और मलका बरतानिया के साथ मिलना है, सारे क्रेजी पागलपन के साथ। अगर आप इस तरह के ख्वाब किसी से शेयर करेंगे तो सबसे पहले वो क्या कहेगा आपको? वो कहेगा पागल ही हो, ठीक है? वो कहेगा यू हैव लॉस्ट योर माइंड, ठीक है? ये किस तरह का पागल आदमी है यार, ये किस तरह के ख्वाब देखता है? लेकिन अभी अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पागल ही हो अपनी जगह पे है, लेकिन आई वुड वांट यू टू डू व्हाट, मैं ये चाहूँगा कि आप के हाथ में ये जो पर्चा है, आपने जो लिखा है पर्चे के ऊपर लिखा था कि ये ख्वाब, ये ख्वाब, ये ख्वाब, ये ख्वाब, अगर आपने वो पर्चा बनाया है ना और आपके सामने मौजूद है, तो उसके ऊपर एक नज़र डालें। आई वांट यू टू टेक अ लुक एट दैट पर्टिकुलर पेपर जो कि आपने ख्वाब वाला पेपर रखा था, उस पर अगर 5, 8, 10, 12, 15 ख्वाब मौजूद हैं और वो क्रेजी ख्वाब अगर नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि फिर आपने बहुत से ख्वाब छुपा लिए। लेकिन अगर आप मजीद बैठ के लिखेंगे ना तो ऐसी क्रेजी ख्वाब निकले, ख्वाब क्रेजी ही होने चाहिए, इतने ऐसे होने चाहिए वो पागलपन लगे कि यार ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब उसे जब चरवाहे ने पढ़ना शुरू किया, उसने मैट्रिक किया, फिर एफ ए किया, फिर बी ए कर लिया, और एक दिलचस्प जगह पे वो पहुंचा, और वो जगह पहुंचा जहां पे एक जगह पे वो आया जिसका जहां पे उसे किसने कहा यार ये ख्वाब है ना उसके लिए एक मास्टर की चाहिए होती है। आपने कभी सुना है एक लफ्ज शाह कुलीद, ये उर्दू में शाह कुलीद मास्टर की, या जिसे ओके आपने ये शायद नहीं सुना होगा, आपने एक लफ्ज सुना होगा जिसको कहते हैं गिदड़ सिंगी, ठीक है? अच्छा ओके, गिदड़ सिंगी अगर आपने सुना है ना, तो गिदड़ सिंगी जो है ये तर्जमा है एग्जैक्टली इसका, जो मास्टर की है इसका पंजाबी तर्जमा है, ठीक है? शाह कुलीद उसका तर्जमा है उर्दू के अंदर, जो जरा मुश्किल किस्म का है, गिदड़ सिंगी फौरन समझ में आ जाता है। तो आप कहते हैं यार के अगर ये ऐसे ख्वाब देखते हैं आप, तो फिर आपके पास कोई ऐसी चाबी होनी चाहिए जो के वो सारे दरवाजे खोल दे। गिदड़ सिंगी क्या चीज़ होती है? गिदड़ सिंगी या मास्टर की वो वाली चाबी है जो खजाने की चाबी है, ठीक है? जब हम लोग पैदा होते हैं तो समझ लीजिए कि हम एक हर मसले का हल, जी बिल्कुल मोहम्मद नदीम आपने ठीक कहा कि हर मसले का हल, जब हम पैदा होते हैं तो हम वो चाबी लेकर पैदा होते हैं, और वो चाबी हमारे किसी किसी जो है ना दराज में, किसी किसी जेब में मौजूद होती है, और उसको हम मास्टर की कहें या उसको हम कहें गिदड़ सिंगी। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं, एंड आई वुड एक्चुअली आस्क यू दिस क्वेश्चन, के क्या आपको मास्टर की तलाश है, क्या आपको गिदड़ सिंगी की तलाश है, क्या आपको उस चाबी की तलाश है जो उस खजाने को खोल सके? जी आफिया, आपको है। मोहम्मद इरफान जी, शहजाद जी, यासिर जी, वासिफ जी, नदीम अकरम, ये बताइएगा कि अभी हमारे YouTube वाले जो दोस्त हैं, क्या उनको भी उस चाबी की तलाश है या नहीं है? बहुत बहुत शिद्दत से, बहुत शिद्दत से, ठीक है, ऑलराइट, जबरदस्त जी। सलमान अकबर, अख्तर, उमर फारूक जी, आयशा, गुलाम अब्बास, नाजिश, सलमान, ओके जी, जबरदस्त। तो हम सबको चाबी की तलाश है जो हमें उस जगह पे पहुंचा सके, जो ख्वाब के दरमियान, ख्वाब और हकीकत के दरमियान में जो दीवार है, उस दीवार को हटा सके। जी सैयद तनवीर, मोहम्मद आसिफ, यस यस बिल्कुल, हमें उस चाबी की तलाश है। अच्छा, जो एक दिलचस्प बात है, और आपकी कहानी सुनाऊंगा, आपने जो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे उनकी कहानी सुनी होगी, ठीक है? आप जानते हैं कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कौन है और कौन है वो? वो अमूमन उस जगह पे जाहिर होते हैं जब इंसान रास्ता खो देता है, ठीक है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक्त जाहिर होते हैं जब किसी कोई रास्ता गुम हो जाए, किसी का गुमशुदा हो जाए, तो वो फिर वहाँ पे आते हैं और उस बंदे को, जी आपदा परवीन, बिल्कुल ख्वाजा खिज़र। तो ख्वाजा खिज़र जो हैं वो मशहूर हैं, उनका रवायत में जिक्र मिलता है कि यहाँ पे है जब आप अपना रास्ता खो देते हैं वहाँ पर मिलता है। तो एक नौजवान था, वो इसी तरह से जंगल में चला जा रहा था, और
उलझता हुआ, पगडंडियों पे भागता हुआ इधर उधर, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ जाना है, और उसे रास्ते की तलाश थी। और उलझते, गिरते, उठते, बैठते, फिसलते, वो एक क्रॉस रोड पे पहुंच गया, जिसे कहते हैं ना चौराहा। ठीक है, उसने देखा कि जंगल के अंदर पगडंडियाँ इधर जा रही है, उधर जा रही है, चार रास्ते जा रहे हैं, और वो दरमियान में खड़ा हो गया। और उसने कहा, ओह अच्छा, मुझे रास्ता ढूंढना है। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सिद्ध के दिल से दुआ मांगी कि ख्वाजा खिजर, ये मैं, मेरा मसला है, ठीक है, अल्लाह से दुआ मांगी कि ख्वाजा खिजर को भेज दे, क्योंकि मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, आई हैव लॉस्ट द ट्रैक, ठीक है, और मैंने यहाँ से कहीं जाना है, मैं चौराहे पे मौजूद हूँ, चार रास्ते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। तो उसने दुआ मांगी, आंखें बंद की, सिद्ध के दिल से गड़गड़ा के दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे ख्वाजा खिजर को भेज दे। अचानक उसने जब आंखें खोली, देखा कि सामने एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग मौजूद हैं, और वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। पहले तो वो डरा, फिर उसकी जान में जान आई, उसने कहा लगता है उसकी दुआ कबूल होगी। बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा कि मेरा नाम ख्वाजा खिजर है, और मुझे अल्लाह ने भेजा है, तुमने दुआ मांगी है, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, बताओ तुमने कहाँ जाना। अच्छा, जब ख्वाजा खिजर ने ये पूछा कि तुमने कहाँ जाना है, तो फिर क्या हुआ, जो नौजवान था उसने एकदम हक्का बक्का रह गया, उस परेशान हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ा सा सोचा, फिर मजीद सोचा, मजीद गहरे तरीके से सोचा, और कहता है कि मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, मुझे तो बस अब पार लगा दें, बाहर निकाल दें, मुझे ये नहीं पता मैंने जाना कहाँ है। तो ख्वाजा खिजर जो थे वो उसकी बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराए, और फिर उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट के आसार उभरे। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें नहीं मालूम तुमने कहाँ जाना है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, अगर तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कहाँ जाना है, तो कोई भी रास्ता तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। अगर तुम्हें नहीं मालूम तुमने कहाँ जाना है, तो कोई भी रास्ता तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। ये उन्होंने कहा और गायब हो गए। अब सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये चौराहा है। हम ऐसे अक्सर लोग मौजूद ज़िंदगी के सफ़र में, सारे जर्नी के अंदर, ऐसे किसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जाना होता है, और हम कहते हैं यार कि बस कहीं यहाँ से कोई हमें उठा के ले जाए, कोई ख्वाजा खिजर आ जाए, कोई हाथ पकड़ ले और यहाँ से ले जाए। लेकिन एक आपको कमाल की बात बताऊँ कि क्योंकि मैंने नफसियात सीखी, इस नफसियात का तालिब इल्म हूँ, और दुनिया के 40-42 मुल्कों में ट्रेन किया, लाखों लोगों से इंटरेक्शन रही, जिसे कहते हैं ना कि क्लैरिटी, कि अगर आज आप जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो भी 20-25,000 लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपके सामने अभी ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो जाए, ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और आप देखते हैं तो आपके लेफ्ट राइट पे आपके कमरे में अगर ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम मौजूद हूँ, ठीक है, और वो आपसे कहें जी कि तुमने कहाँ जाना है, तो आप ऐसे कितने लोग वाकई जानते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है। अच्छा, ये जी यास साहब, आपने फैसलाबाद से कहा, जो अगर चराह का कुछ जिन होता है ना, इसको रगड़ते हैं अंगूठी का, ठीक है, और जिन अगर ज़ाहिर हो जाए या ख्वाजा खिजर ज़ाहिर हो जाए, तो जो भी इंसानी नफ्सियात है वो ये बताती है कि 10 में से जो 9 लोग हैं उनको पता नहीं है कि उन्होंने वाकई कहाँ जाना है। क्योंकि आप में से अक्सर लोग देखे हैं जी खाना काबा शरीफ, मदीना मुनव्वरा, और इंशाल्लाह आप सब लोगों के ये सारे ख्वाब सच्चे होंगे, वर्ल्ड टूर है। तो हमने क्यों ये एक्सरसाइज की पहले अपनी ड्रीम्स वाली, जन्नतुल बकी में आपने जाना है, बिल्कुल, कि ये सब कुछ, सब सारे के सारे ख्वाब सच्चे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपने जाना कहाँ। ये क्लैरिटी यहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं, जितने लोग मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों से एक प्रॉमिस चाह रहा हूँ, एंड आई वांट यू टू राइट इट इन द चैट बॉक्स, और वो क्या है, आई वांट टू नो, ठीक है, नहीं, ओके, लेट मी सिंप्लीफाई इट। पहले हमने कहा जी आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप सब लोग मेरे साथ वाउच कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि आपका ख्वाब क्या है, ठीक है।
ठीक है, आई हैव अ ड्रीम एंड आई नो माई ड्रीम, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने चैट बॉक्स में क्लियर कट ये एग्जैक्टली कमिटमेंट करें, ये सब लिखें जी। आई हैव अ ड्रीम एंड आई नो इट, जी आई हैव अ ड्रीम एंड आई नो इट, मेरा पास एक ख्वाब है, उर्दू में लिख दें, और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरा ख्वाब क्या है, जी आई हैव अ ड्रीम एंड आई नो इट, ठीक है, ज़बरदस्त जी। सिद्रा, रियास, जुल्फकार, आमिर, सवा जी, महबूब साहब, और लाइका, और नाजिश अहमद, वहीद, असगर साहब, सैयद तनवीर जी, बिल्कुल, आई हैव अ ड्रीम एंड आई नो इट, ज़बरदस्त जी। ताहिर अकरम साहब, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन, ज़बरदस्त जी। मोहम्मद अरशद, आई हैव अ ड्रीम एंड आई नो इट, आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम अवेयर ऑफ इट, मेरे पास एक ख्वाब है और मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मेरा ख्वाब क्या है, शानदार, ज़बरदस्त जी। यकीन, और यासीन, और यासिर अली, फैसल, लुबना कौसर, ज़बरदस्त, रिजवान मकबूल, आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम अवेयर ऑफ माई ड्रीम। अब जो हम सब के मुर्शिद हैं और दुनिया के बहुत बड़े जी, हमारे बहुत से ट्रेनिंग ऐसे हैं जिनका बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा लिमिटेड है उनके पास, वो बहुत दूर दराज एरिया में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो उनके जो पैकेज करवाए हैं उन्होंने, वो हमारा ये था कि हम इसको लाइक जो है वो 2 घंटे तक इसको फिनिश करेंगे। आपकी बातें शानदार चल रही हैं, तो थोड़ी सी हमें ये कि हम उस टाइम से आगे ना जाए जो है, तो हम मुझे आपने बताया बिल्कुल, हम 2 आवर्स के टाइम के अंदर ही खत्म करेंगे, और उसी के अंदर अंदर हम अपने जो रेलेवेंट जगह है तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब आपने कहा कि आपका ख्वाब है और आप जानते हैं कि आपका ख्वाब क्या है, तो फिर अगली कहानी क्या है ख्वाब और आपके दरमियान में जो दीवार हायल है, अगर आप ये देखते हैं जो रूमी हैं हमारे मुर्शिद हैं दुनिया के बहुत बड़े मुफक्किर, और उनका ये कहना है कि अगर तुम्हें अपना रास्ते का पता है, ठीक है, तो ये जहन में रखो कि अगर तुम्हें अपने रास्ते का पता है तो बाकी पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, कि अगर ख्वाजा खिज़र ज़ाहिर हो जाएं और वो कहें तुमने कहाँ जाना है और तुम्हें अपने रास्ते का पता है, तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारे साथ तो चल सकती है, ठीक है, लेकिन कोई भी तुम्हारे लिए नहीं चल सकता, ठीक है। ये चीज़, ये मैं चाहता हूँ कि ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो आपका ख्वाब है, बिल्कुल ठीक, आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम अवेयर ऑफ इट जी, निमरा और आफीफा, आफिया, अब्दुल अज़ीज़, और आप सब लोग जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम अवेयर ऑफ इट, लेकिन वो जो ड्रीम है, वो ख्वाब है, उस तक चलने का जो रास्ता है वो सिर्फ आपका है और उस पर सिर्फ आपने चलना है, ठीक है। ये ऐसी बात है, कोई कहे कि यार मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, डॉक्टर कहते हैं कि यार तुम वॉक कर लो और वज़न कम हो जाएगा, तो यार तुम ज़रा जाके 2 मील ज़रा चल के आ जाओ मेरे लिए, ठीक है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको वॉक करनी है, और अपने छोटे भाई को कहें यार कि 2 घंटे प्लीज़ वॉक करके आ जाना, कैसा तरीका है ये? आपका छोटा भाई आपकी वॉक कर सकता है जी? आफिया, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो जो ख्वाब है जी, राशिद, यासिर, इमरान, एहतशाम, बिल्कुल, जो आपका ख्वाब है ना, उस ख्वाब तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस पर चलना किसने है? उस ख्वाब तक जाने का जो रास्ता है, उस पर किसने चलना है? यस जी बुशरा, यस बिल्कुल, राशिद, मोहम्मद इरफान, एग्जैक्टली, बिल्कुल, उमर फारूक, काशिफ सुबहानी, उस ख्वाब तक जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ आपने चलना है। दुनिया का कोई भी शख्स, आपका भाई, आपका, आपके पेरेंट्स, आपके, आपकी बहन, आपके आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड, आपकी बीवी, आपके बच्चे, दुनिया में किसी भी शख्स ने उस रास्ते पर नहीं चलना। अगर एक रास्ता है जो कि आप जानते हैं और आप जानते हैं कि आपने उस तक पहुंचना है, तो फिर उस ख्वाब तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपने चलना है, और जब तक आप उस पर चलना शुरू नहीं करेंगे, आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये अल्लाह का वादा है, ये जिसने भी कायनात को तख्लीक किया और आपको वो सारे ख्वाब दिखाए और सुझाए, ये उसका वादा है कि अगर आप जानते हैं कि आपके पास एक रास्ता है और आप उस रास्ते पे चलना जानते हैं,
तो आप हर सूरत में उस जगह तक पहुंच जाएंगे। हाँ, उस जगह तक पहुंचने में कुछ खाइयाँ मिलेंगी, कुछ ऊंचाइयाँ मिलेंगी, कुछ दीवारें मिलेंगी, उसमें कुछ चोटियाँ मिलेंगी, कहीं आप गिरेंगे, कहीं आपकी हड्डी पसली टूटेगी, कहीं आपको अंधेरा होगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली उस रास्ते पे अगर आप चलते रहेंगे, यू विल गेट देयर। जी, अगली साइड पे आइएगा। ख्वाब अगर आपने देखा है और ख्वाब को आप सच्चा करना है और ख्वाब तक पहुंचना है, तो उसका एक तरीका है। अच्छा, उससे पहले एक सवाल पूछूंगा आपसे, आप ऐसे कितने लोगों ने हाथी खाया है? जी, ऑडियो नाजिश ने खाया है। जी, आपसे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हाथी खाया है? नहीं 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 खाया। ओह ओके, राइट, नहीं खाया, नहीं खाया, ओके। चलें, आपसे मैं अपना सवाल तब्दील करता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो एक हाथी खा सकते हैं? एक हाथी खा सकते हैं, आप में से कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन ईट एन एलिफेंट? वाह जी वाह, कोई एक, ये हाथी है पूरे का पूरा, ठीक है, ओके ओके, जबरदस्त। एक बंदे ने सिर्फ कहा है वो खा सकता है, ओके। तो अगर आपके सामने हाथी हो, होता ये है कि जब हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब के सामने जो दीवार होती है या जो मसला होता है, वो हाथी जितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ह्यूज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप हाथी खा सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आफिया ने कहा जी कि नहीं खा सकते, तकरीबन सब ने कहा जी नहीं, कहा हलाल ही नहीं है तो खाना क्या है। ये हमारा सर, अगर हाथी हलाल हो तो फिर आप खा सकते। अच्छा, हम ये सवाल इसी पूछ रहे हैं कि आपके सामने हाथी क्या है, वो बड़ी सी चीज, बड़ा सा प्रॉब्लम है, ह्यूज ह्यूज इशू है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप हाथी खा सकते हैं, तो सिर्फ मैंने देखा एक का जवाब था यस, आपने कहा सैफुल्ला, उन्होंने कहा जी के एक साल में खा सकता हूँ, एक साल में खा सकता हूँ। इसका जवाब क्या है? जबरदस्त जी, रिजवान, शानदार, बिल्कुल, कि हाथी में खा सकता हूँ। एक ना आपने कहा नहीं, ठीक है। तो अब ये देखें कैसे अजीब सा एक हम टेस्ट लिया मैंने आपका, कि जब हम कहते हैं कोई चीज़ हो सकती है, नहीं, आप कहते हैं ये हो ही नहीं सकती। मैंने आप पूछा आप हाथी खा सकते हैं, आपने कहा जी नहीं, खा ही नहीं सकता हूँ। फिर आप में से जितने लोग भी थे, सिर्फ एक ने बिल्कुल एलिफेंट का बारबेक्यू कर लें, तल के खा जाएं, कच्चा खा जाएं, जैसे मर्जी खा जाएं, तो उसने एक ने कहा जी मैं एक साल में खा जाऊंगा। ये है तरीका करने का, यू कैन ईट अप एन एलिफेंट बिट बाय बिट, ठीक है। अगर आप हर रोज, ठीक है, एक पाव या आधा किलो हाथी खाना शुरू करें, ठीक है, तो आप 6 महीने में, 9 महीने में या साल के अंदर पूरा हाथी खत्म कर देंगे, ठीक है। ये क्यों मैंने आपसे ये अनोखी सी दिलचस्प सी बात की, क्योंकि दिस इज हाउ द लाइफ इज। अगर आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं और उस प्रॉब्लम के साइज को देखते हैं, तो उसको साइज को तोड़ डालें, ठीक है। आपने कहा कि अब जो भी हाथी है, जितने बड़े बड़े काम आपने लिखे ना अपने कागज के ऊपर, ये ख्वाब है, आपने PhD करना है, आपने उमरा करना है, आपने हज करना है, आपने करोड़पति बनना है, आपने अपने जो कुछ भी बनना है, जो कुछ आपका ख्वाब है, आपने उस ख्वाब में सिर्फ ये करना है कि हर रोज एक पाव आधा किलो उस ख्वाब को जीना है, ठीक है। आप हाथी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस रूप में खा सकते हैं अगर आप हाथी को हर रोज खाना शुरू करें। ये एक जस्ट मिसाल थी कि जो कुछ, जितना बड़ा भी क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, जितना बड़ा भी चैलेंज आपके सामने मौजूद है, अगर आप हर रोज उसको करना शुरू करेंगे, तो आप उस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। जी, ये एक और पर्सपेक्टिव है। ये आपको, अब ये बता रहा हूँ कि ये असल में वो कुंजी है जो आपको नजर आ रही थी, ये वो गिद्दड़ सिंगी है जो आपको नजर आ रही थी। तो क्रिकेट आप में से कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग देखते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है किसी गांव के अंदर, ठीक है। तो आपने क्रिकेट देखी होगी, क्रिकेट खेली होगी। क्रिकेट को जो लोग जानते हैं, मैंने क्रिकेट से बड़ी शानदार चीज सीखी, और क्रिकेट में जबरदस्त जी, बहुत खूब, आप में से बहुत लोग जानते हैं, क्रिकेट से आप जिंदगी के बारे में एक बहुत शानदार चीज सीख सकते हैं, एक ऐसी चीज सीख सकते हैं जो कि क्रिकेट जानने वाले कोई भी शख्स है, चाहे देखने वाला है, खेलने वाला है, उसको अच्छी तरह से पता है। क्रिकेट में सबसे मजेदार बात क्या होती है? सबसे मजेदार बात यह होती है कि आपको क्रिकेट के अंजाम का पता नहीं होता, ठीक है। आपकी, जब आपको बॉलर गेंद करता है, तो हर गेंद जो है उसमें क्या हो सकता है,
आप आउट भी हो सकते हैं, नो बॉल भी हो सकती है, ठीक है, आप कैच भी हो सकते हैं, आप छक्का भी लगा सकते हैं, चौका भी लगा सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्रिकेट और ज़िंदगी बहुत से हवालों से मिलती जुलती है। कैसी मिलती जुलती है? जब आप अपना ख्वाब की तरफ सफ़र स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आप उलझ के गिरते हैं, कभी आपके दांत बाहर निकल आते हैं, कभी सर से खून निकल आता है, आप नाकाम होते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी नहीं, जलेबी है। आप कहेंगे कि ख्वाब से जो हकीकत का सफ़र है क्या स्ट्रेट लाइन है? तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक जलेबी है। आप यूं इधर ऊपर नीचे, खाइयां, पहाड़, नदियां, समुंदर, दरिया, ठीक है, आपने इन सबसे होते ही आगे जाना है। तो आपके ख्वाब और आपका सफ़र जो है हकीकत का, इस सफ़र के दौरान आपको नाकामियां मिलेंगी, मायूसियां मिलेंगी, फटकार मिलेगी, ठीक है। लोग आपको देख देख के हंसेंगे, आपको देख देख के क्या क्या लगाएंगे, आपके इश्तहार लगेंगे, आपको बताएंगे, लोग आपके लिए ढोल पीटेंगे, यार ये सब स्टूपिड आदमी है, ठीक है। ये सब कुछ होगा, आपके साथ मैं वादा करता हूँ, ये सब कुछ होगा, आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक जर्नी का, ये आपको सिर्फ उसी वक्त पता चलेगा अगर लोग आप पे ताने दे रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं। इसका प्रूफ, इसमें एक चीज़ आपको पता क्या चल रही है, कि आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आपका सफ़र चल रहा है। अगर लोग आप पे ना हंस रहे हैं, ना तालियां बजा रहे हैं, ना आपको वटे मार रहे हैं, ना ईंटे मार रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब है कि आप कहीं थम गए हैं, रुक गए हैं, ये शायद आप मर चुके हैं, ठीक है। ज़िंदगी की अलामत यह है कि लोग आप पे हंस रहे हैं, ये चाहे आपकी तालियां बजा रहे हैं, ये चाहे ढोल पीट रहे हैं, ये चाहे आपकी ईंटे मार रहे हैं, ये चाहे आप पे लान तान कर रहे हैं, या आपकी पीठ थपका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका सफ़र चल रहा है। क्रिकेट में शानदार चीज़ क्या है, जो आप में से अक्सर लोग हम कहते हैं, हमने अच्छा ये करने की कोशिश की, ये मेरा ख्वाब था, मैंने कहा ख्वाब मैं पूरा कर लूँगा, मैंने डॉक्टर बनना था, मैंने जज बनना था, मैंने CSS करना था, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर तो मैं फेल हो गया, फिर मैंने इम्तहान दिया, इम्तहान में मैं नाकाम हो गया, इम्तहान के बाद अब मैं क्या करूँ, मैंने 2 दफ़ा कोशिश की, मैंने 3 दफ़ा कोशिश की, ठीक है, लेग पुलिंग हो गई, मैं नाकाम हो गया, इम्तहान में बैठा, इम्तहान में नाकाम हो गया। दिलचस्प सवाल पूछता हूँ आपसे, आप में से कोई एक ऐसा शख्स, आप में से कोई भी, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, कि कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने कोई काम 10 दफ़ा किया हो और उसमें वो नाकाम हुआ हो? अगर आप मुझे बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, राइट, ओके, अमरा, ठीक है, ज़्यादातर आ रहा है, नो 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 नो, यस, ओके, ठीक है। चले, आपसे मैं थोड़ा सा एक और मुश्किल सवाल पूछता हूँ, आप में से कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने कोई भी काम, जिससे काम समा दिया है कि उसके जहन में जो इरादा था, नीयत थी, ख्वाब था, उसने 50 दफ़ा किया हो और उसमें वो नाकाम हो गया, 50 मरतबा, 50 times? जी, मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई यस कहता है तो मैं उससे बात करूँ। यस, एक मुझे नजर आया, यस, ठीक है, जबरदस्त। मैंने क्यों सवाल पूछा आपसे, कि जब आप ख्वाब से हकीकत की तरफ सफर शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर दरमियान में नाकामियां आएंगी, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमने 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, 5 दफ़ा किया, 10 दफ़ा कर लिया, नहीं हुआ, अब मैं और क्या करूँ, और यहीं पर आके हम ख्वाब से हारना शुरू करते हैं। ख्वाब जो है ना, वो समझ लीजिए कि जो जिंदगी है, जिंदगी क्रिकेट मैच का एक ओवर है, जिसकी हर गेंद अगर आप खेलने के लिए तैयार हैं तो उसमें आपके पास मौका है कि आप उस गेंद पे चौका मार सकते हैं, छक्का मार सकते हैं, सिंगल बना सकते हैं, रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप पिच पर मौजूद हैं, जब तक आप आउट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आउट होना यह हो कि इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए, और जब वहाँ पे मौजूद हो इंसान, अगर वो गेंद खेल रहा है, तो हर गेंद आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। अगर आप पिछली गेंद पे, फॉर एग्जांपल, आपने स्टॉप किया था या बीट हो गए थे, तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि अगली गेंद पे आप छक्का नहीं मार सकते, ठीक है। तो जितनी भी ज़िंदगी में आपके मसाइल हैं, जितनी भी नाकामियाँ हैं, उनके बारे में आप ये ज़हन में रख लीजिए कि वो सिर्फ एक गेंद थी, उस गेंद को आपने खेला, उस पर आप आउट हो गए, लेकिन ज़िंदगी आपको हर रोज़, हर नया दिन एक नई बॉल है, आज का दिन एक नई बॉल है,
कल के दिन एक नई बॉल होगी, परसों एक नई बॉल होगी, आपके पास हर रोज एक नई बॉल होगी जो आपको कुदरत ने फेंकनी है, उस पर आप छक्का लगाएं, उस पर आप चौका लगाएं, उस पर आप आउट हो जाएं, बोल्ड हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एज लॉन्ग एज यू हैव अनदर बॉल आपके पास कल खेलने को मौजूद होगी तो आप इंशाल्लाह उस गेंद पर रन बना सकते हैं। आपके लिए पिच पर रहना जरूरी है, अगर आप पिच से भाग जाएंगे, जीने से भाग जाएंगे, चैलेंजेस से भाग जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। जबरदस्त मोहम्मद अरशद ने कहा जी कि मैंने कहा था मैं हाथी खा सकता हूँ। अच्छा, जिंदगी का सफर जो है ये चीज ज़हन में रख लीजिए कि जो ख्वाब से हकीकत का सफर है ना, ये मनो टनो बड़ी चट्टान जो है इसको धकेलने के मुतालिफ है, ये कोई आसान काम नहीं। आप कहेंगे ठीक है यार, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि आप कहेंगे कि यार मेरा वजन ज्यादा हो गया तो मेरे लिए वॉक करके आ जाओ, या ये मेरा ख्वाब है तो तुम ऐसा करो कि जाकर इसको गो एंड अचीव दिस ड्रीम, हो नहीं सकता। ये सारे का सारा काम आपने खुद करना है, आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी नींदें हराम करनी पड़ेंगी, आपको अपने ख्वाब से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको इस वक्त मैं कहूँ और आपके पास ओके, मैं आपको देता हूँ 20 सेकेंड, फिर आपको आपको मेरे साथ दौड़ लगानी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे मुश्किल काम जो आपने करने हैं, 10 ऑफ योर बिगेस्ट चैलेंजेस, 10 सबसे मुश्किल तरीन चीज़ें, और अपना कागज़ पकड़िए, कलम पकड़िए, जल्दी से पकड़िए और मेरे साथ इस एक्सरसाइज में शामिल हो जाएं। आपके 10 सबसे मुश्किल तरीन काम जो आपने करने हैं वो कौन से हैं? अब ख्वाब की बात नहीं कर रहा, अब हकीकत की बात कर रहा हूँ कि यार मैंने घर बनाना है, मैंने 1 करोड़ जमा करना है, मैंने फ्रांक कर पैसे देने हैं, मैंने डिग्री करनी है, जो भी 10 मुश्किल तरीन काम आपके कौन से हैं? 10, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन 20 seconds यू आर गोइंग टू राइट डाउन योर 10 ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दैट यू मस्ट डू इन योर लाइफ। जी लिखिए, 10 चीज़ें लिखिए जो आपकी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन चीज़ें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये ठीक है, पक्का नमाजी बनने से लेके अपने ट्रक लेना है, रोड मैप लेना है, आप किसी लिखा कर 1 करोड़ इकट्ठा करना है, और यस बिल्कुल आप रेस में उसी वक्त सैफुल्लाह में बिल्कुल ठीक है, और रेस उसी वक्त जीतेंगे जब आप रेस में शामिल होंगे। तो जो ये जो आपने 10 मुश्किल तीन काम लिखे हैं, ठीक है, आप ये काम मुझसे शेयर करें क्विकली, शाबाश, क्योंकि हम हमारे पास रह गए सिर्फ 15 मिनट, उसके अंदर हमें ख़त्म करना है। तो आप ये रेस जिसमें शामिल हैं, आपने जीतनी है, तो आप एक काम उनमें से लिखें, घर, 100 बच्चे, घर बनाना, मोटरसाइकिल शोरूम, पीजी, पैसा, कर्जा उतारना, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक, इम्प्रूव पाकिस्तान को आपने करना है, चैरिटी हॉस्पिटल बनाना है, ज़बरदस्त, ओके, बहुत खूब। ये सारे के सारे काम जो हैं, डिसीजन पावर, टाइम टेबल बनाना है, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, कश्मीर आज़ाद कराना है, ज़बरदस्त, ये सारे के सारे काम जो हैं ये किसने करना है? ये आपने 10 काम लिखे हैं, ये काम किसने करने हैं? बच्चों को डॉक्टर बनाना है, यस, यू, मायसेल्फ, आई मायसेल्फ, बिल्कुल हमने, ठीक है। अल्लाह ने, जो रब है उसने क्या करना है, उसे फूल और फल लगाने हैं, ठीक है, माली दा कम है भर भर मशकाना, ठीक है। तो ये काम आपने करने हैं, और इन कामों को जो अप्रूवल देनी है वो रब ने देनी है, लेकिन उससे पहले ये काम होने स्टार्ट होंगे। तो ये सबसे पहले ये है कि आपने जितने काम लिखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उन तमाम तरह मुश्किल कामों को लिखना शुरू करें और जानना शुरू करें, और ये काम साथ साथ अपने आप को बताना शुरू करें कि ये आपने करने हैं। उन कामों को करने का जो रास्ता है वो बड़ा सीधा है, वो हर रोज़ हाथी खाना है, हर रोज़ छोटा सा काम करना है, हर वो चीज़ जो आपको मुश्किल लगती है उसको हर रोज़ करना है, और हर रोज़ उस काम को आप करते जाएंगे तो सडनली आपको पता चलेगा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद वो ख्वाब सच्चा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ख्वाब सच्चा होना जो है ना, जैसे बटन दबा के उधर से, ये फोटो कापी मशीन नहीं है, ठीक है, इधर बोला कि आपने इधर से बटन दबाया उधर से लाइट आ गई। ख्वाब सच्चा होना जो है एक लॉन्ग जर्नी है, ठीक है। मामला यह है कि आप में से कितने लोग हैं जो उस ख्वाब को सच करने के लिए, जो आपने ख्वाब लिखे, आपने उमरा करना है, हज करना है, 1 करोड़ कमाना है, दुनिया का अमीर आदमी बनना है, गरीबों की मदद करनी है, कश्मीर आज़ाद करना है, जो कुछ भी आपका ख्वाब है,
आपने जो लिखा है क्या आप उसके लिए एक साल वैसे तो ख्वाब को सच्चा करने के लिए 25-30 साल भी लग जाते हैं, बट कैन यू कमिट विद मी दैट यू कैन परसू दिस फॉर 1 ईयर, सिर्फ 1 साल? आप ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे साथ ये कमिटमेंट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप ये कमिटमेंट करेंगे तो हो सकता है मैं आपके साथ पूरा 1 साल अपॉर्चुनिटी दूं आपको वो ख्वाब सच्चा करने के लिए, जो भी आपको गुड ठीक है जी। शाजिया और आफिया और सुहेल और एहतिशाम और काशिफ, मुबारक, जबरदस्त। अगर आप जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ यूट्यूब के भी जो बहुत सारे लोग इस वक्त कोई 3,500 जो है वो चैट कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि जी दे आर कमिटेड कि वो कोई एक अपना जिंदगी का मकसद सेट करके अगले 1 साल में उसके ऊपर जो है वो काम करें जैसे आप कह रहे हैं। जबरदस्त, तो अब क्या करेंगे अगर आप कमिटेड हैं तो फिर मैं भी कमिटेड हूँ। आई गिव यू माई कमिटमेंट कि मैं आपके साथ पूरा 1 साल उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। कैसे करेंगे मैं आपको उसका रास्ता अभी बताता हूँ। अगली स्लाइड पे आइएगा। ये थॉमस एडिसन है और इसको मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा है कि काम को आप कितनी दफा कर सकते हैं। 10 दफा करने वाले लोग कम थे, 50 दफा मैंने पूछा तो आप में ऐसे हजारों लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि उन्होंने कोई इसी काम को 50 दफा किया है, 50 टाइम्स किया है और फिर भी वो करते रहे, अटैम्प्ट किए हैं, 50 अटैम्प्ट किए हैं। एडिसन ने जो बल्ब बनाया उसने बनाया कुछ 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जो बल्ब उसके हाथ में मौजूद है ये बल्ब ईजाद करने के लिए एडिसन को 10,000 तजर्बे करने पड़े थे। किसी ने उससे पूछा यार एडिसन तुम पागल ही हो गए हो यार, ये बल्ब नहीं बनता, तुमने 9,999 तजर्बे कर लिए, बल्ब तो बना नहीं है। तो उसने कहा कि 9,999 टाइम मुझे सिर्फ ये पता चला है कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा। जब आप नाकाम होते हैं तो सिर्फ इस चीज़ का मतलब होता है कि इस तरीके से ये बल्ब नहीं बनेगा, इस तरीके से ये काम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा आप नाकाम हो गए, ये काम कभी भी नहीं हो सकता। ये बस वो तरीका जो है आपको बदलना है, अगली मरतबा अपना वो तरीका बदल लें, अगली मरतबा जब आप वो गेंद आप खेलने लगे हैं क्रिकेट की जिंदगी की तो अपने डिफरेंट तरीके से खेलें और आप देखेंगे कि आप उस पर छक्का लगा सकेंगे। जी आगे आइएगा। और आपके सामने मौजूद हैं हमारे बाबा जी। ये ख्वाब देखने के हवाले से, जब उन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, जब उन्होंने कहा जी कि एक मुसलमानों की एक मुल्क होगा, एक ममलिकत बनेगी और इसी हिंदुस्तान में जो कि हज़ारों सालों से एक बड़े आज़म था, एक बड़े सखीर था, उसमें कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था कि एक मुल्क बन सकता है। और फिर आपने देखा कि इस शानदार आदमी ने उस ख्वाब को, एक क्रेजी ड्रीम था, ठीक है, जब उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान बनेगा तो अब दुनिया जानेगा कि ये क्रेजी ड्रीम है यार, क्या बातें करते हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा आप उसी मुल्क के शहरी हैं, उसी मुल्क के हम बासी हैं, हमारा दिल इनके लिए एहतराम से धड़कते हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो ख्वाब जो था, जो क्रेजी ड्रीम था, उसको 7 साल के अंदर 1940 से लेकर 40 में देखा, लिखा कागज़ के अंदर, कागज़ के ऊपर, अगले 7 साल अपने आप को हलकान कर दिया, दिन रात आंधी बरसात में अपने आप को अपनी आखिरी पोटेंशियल पे वो ले गए और 7 साल के अंदर वो काम कर देखा जो दुनिया का कोई लीडर नहीं कर पाया। एक अलग कौम बनाई, एक अलग मुल्क बनाया और फिर वो जो एक जंग थी वो जीती। तो दुनिया के बड़े से बड़ा लीडर जो है ये 3 काम नहीं कर सका जो इस एक बंदे ने कर देखा है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई अनहोनी बात नहीं है। हम आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा हम तेज़ रफ्तार रहेंगे ताकि हम 4-5 मिनट में। ये मक्खी है, ये मक्खी यहाँ पे क्या कर रही है? मक्खी ये इसलिए है कि आपने सुना होगा, कहानियाँ सुनी होंगी, अगर आपने पढ़ी देव देव और जिनों भूतों की कहानियाँ, उन कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से जो देव होता है ना वो शहजादे को मक्खी बना के दीवार में चिपका देता है, सुना है आपने कभी? तो जो देव होता है वो शहजादे को मक्खी बनाता है और दीवार में चिपका देता है। तो मैंने ये सीखा है ज़िंदगी में कि आप सब लोग असल में शहजादे पैदा होते हैं लेकिन हमारे हालात हमें मक्खी बनाकर दीवार में चिपका देते हैं। इस मक्खी से आपने दोबारा शहजादा कैसे बनना है, शहजादी कैसे बनना है, प्रिंसेस कैसे बनना है, प्रिंस कैसे बनना है, ये सारी स्ट्रगल की कहानी है और यही कहानी आज हम खोलने जा रहे हैं, इसी बात करने जा रहे हैं। जी आगे आइएगा। ये एक ओके ये एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की एक्सरसाइज है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको करने के लिए हमें कोई 20-25 मिनट चाहिए। मैं चाह रहा था कि जान पाऊँ कि आप में से लोग कितने ज़हीन हैं। ये
नौ नुकतों की एक्सरसाइज है, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको हम अगले मरहले में करते हैं, क्योंकि अब तो अब आपके साथ एक साल काम करना है। ओके, तो ये जो था वो चरवाहा जो था उसकी कहानी आती है। ये चरवाहा जो था ये बन गया फौज में कप्तान। इसके मुंह में सिगरेट है, सिगरेट पीना वैसे बुरी बात है, सिगरेट नोशी क्या कहते हैं प्रमोट नहीं की जा रही, ये तस्वीर भी मौजूद है। तो ये जो चरवाहा था जिसकी आपने अभी शक्ल देखी, तो वो जो चरवाहा था बेचारा, वो जो ख्वाब देख रहा था उसी ख्वाबों में आगे बढ़ते बढ़ते अच्छा आपकी लाइफ स्किल्स बुक में मौजूद है, जबरदस्त। उसके बाद क्या हुआ जी के जो मिस वर्ल्ड थी प्रियंका चोपड़ा, चरवाहे ने उसके साथ आके डिनर भी कर लिया और चरवाहे की उससे मुलाकात भी हो गई और उसने डिनर भी कर लिया। ये क्रेजी ड्रीम्स जो थे पूरे होने शुरू हो गए। तो पहले फौज में कप्तान बन गया, कप्तान कैसे बन गया, इस वजह से कि उसने ISS भी दो दफ़ा किया, नहीं हो सका। फिर उसके बाद उसने CSS कर लिया और CSS में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो चरवाहे की वाली तस्वीर थी। फिर ये चरवाहा था वो आप पीछे जाइएगा जी, उसने मिस वर्ल्ड से भी मुलाकात कर ली, आपके सामने मौजूद है प्रियंका चोपड़ा, और फिर उसके बाद बिल क्लिंटन के साथ चरवाहे की मुलाकात जो हुई ये 2012 में हुई, आज से तकरीबन 8 साल पहले, और वो लंदन में इकट्ठे हुए और तकरीबन 6,000-6,500 दुनिया के बड़े लीडर्स ही मौजूद थे और उन दोनों ने मुलाकात भी की और स्टेज भी शेयर किया। तो वो भी चरवाहे का ख्वाब जो था तीसरा ख्वाब सच्चा साबित हो गया। अगले ख्वाब पे चलते हैं चरवाहे के जी। ये मौजूद है चरवाहा ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर, और इनफैक्ट उसने तकरीब जब वहाँ पे की तो उस वक्त इमरान खान जो कि वहीं ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे वो भी मौजूद थे, और वहाँ पे चरवाहे ने भी तकरीर की और वहाँ पे इमरान खान ने भी तकरीर की। ये 2013 की तस्वीर है और दोनों इकट्ठे हैं, या अगर देख रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी का TV है ये इंटरव्यू ले रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो ये ख्वाब जो था ऑक्सफोर्ड यूनियन में बात करने का वो भी सही साबित हो गया जी। और फिर उसके बाद चरवाहे का ख्वाब जो था, आखिरी ख्वाब जो था वो ये था कि उसने जाके मलका बरतानिया से मिलना है। तो आप सामने देख रहे हैं कौन शख्स है, ये मलका बरतानिया तो नहीं है, ये शहजादा बरतानिया है। तो ये जो प्रिंस चार्ल्स है ये बरतानिया का अगला बादशाह है, और चरवाहे की इससे मुलाकात होगी। मुलाकात तीसरा से हुई कि चरवाहा जो था वो सपोर्ट कर रहा था प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स के काम को और वहाँ तक भी पहुँच गया। तो आपने देखा कि ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है थ्रेज़ा मे जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर थी, तो चरवाहा जो था वो उन तक भी पहुंच गया और उनके साथ ही मुलाकात हुई, और चरवाहे ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम किया कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मुतालिक थे और लीडरशिप से मुतालिक थे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि वो सारे के सारे या अक्सर जो भी 4-5-6 जो क्रेजी ड्रीम्स थे वो सच्चे साबित हो गए। अब हम अच्छा ओके राइट, जो चरवाहा था उसको लास्ट ईयर ग्लोबल मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड मिला और वो अवार्ड उसे लंदन में मिला, ये उस मौके पे एक ली हुई तस्वीर है। तो ये सब कुछ करने में 1990-92 से ख्वाब देखने में और वहाँ तक पहुँचने में कुछ 30 साल लग गए। ये वो हाथी था जिसको हर रोज खाते रहे और आखिरकार वहाँ पे पहुँच गए। ये कहानी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अंडा हैं या आप गाजर हैं या आप कॉफ़ी हैं, तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, इसको हम अगली दफ़ा उठा रखते हैं, क्योंकि मैंने ये 2 बजे से पहले मेरा ख़त्म करना है, यानी कि 2 घंटों से पहले मेरा ख़त्म करना है। तो अब हम आते हैं इसके अख्ताम पर, आ गया आइएगा जी। ये भेड़िया है, ये एक काला भेड़िया और एक सफ़ेद भेड़िया है, और ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि हम सब के अंदर ये 2 भेड़िया मौजूद हैं, और हमें इनमें से कौन भेड़िया जीतता है, ये वो वाला भेड़िया जीतता है जिसको हम ज़्यादा खाना देते हैं, या तो वो काला भेड़िया हो सकता है। काला भेड़िया जो है वो गम गुस्सा और परेशानी और डिसअपॉइंटमेंट्स और डिप्रेशन और इस तरह का भेड़िया है, हसद वाला भेड़िया है, गुस्से वाला भेड़िया है। जो सफ़ेद भेड़िया है ये हमारे अंदर जो रब ने अच्छाई रखी है, कामयाबी है, कामरानी है, उम्मीद है, दूसरों की मदद करना है, कुर्बानी है, इशार है, ये वो वाला भेड़िया है, और ये दोनों भेड़िया हमारे अंदर रहते हैं और ये मुसलसल लड़ते रहते हैं। तो अब हम इख्तिताम पे आते हैं, मेरा ख्याल है कि अब हमारे पास आखिरी एक जो स्लाइड है
ये पेंटिंग लाइफ वाला है, जो भी रास्ता है ये रास्ता आप चलते हैं, दैट इज हाउ यू पेंट लाइफ। इसको स्किप करते हैं, आखिरी स्लाइड पे आते हैं कि जो इसमें आपके साथ अब पूरा जिससे आगे आइए जो पूरा जी ये आई एम पॉसिबल जो है ये एक जर्नी है, और ये जर्नी कोई एक दिन का नहीं है, ये 30 साल का जर्नी है। ये चरवाहे से शुरू हो के इसमें खैर चरवाह भी मटेरियल है, बेशुमार लोग हैं दुनिया में, बेशुमार कहानियां आपके सामने मौजूद हैं, इसी तरह की एक ये भी कहानी है। और आई एम पॉसिबल में मैंने कोशिश की कि मैंने 20-25 साल जो भी इस रास्ते पे मैंने देखा सीखा और किस तरह से ख्वाबों को सच्चा किया जा सकता है, ये किताब की सूरत में छपा। और जब मुझे नदीम अकरम उन्होंने बताया कि किस तरह से आप सब लोग हज़ारों लोग इस तकरीब को देखेंगे, इसमें मौजूद होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं क्या आपको गिफ्ट प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एक तो गिफ्ट हुआ है वो टाइम है जो कि मैंने आपके शेयर किया और आपने वो टाइम मेरे साथ शेयर किया। एक गिफ्ट ये है कि ये आपको एग्जैक्टली ख्वाब से लेकर हकीकत का सफ़र जो है आपको उसका ब्लूप्रिंट दे दिया जाए, तो वो ब्लूप्रिंट इस किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये किताब बेच नहीं रहा हूँ, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं ये किताब मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जितने भी लोग मौजूद हैं आपको ये किताब इंशाल्लाह गिफ्ट हो रही है। इसका जो PDF वर्जन है मैं शेयर कर रहा हूँ, किताब वैसे कोई 1000 रुपये की है, लेकिन चूंकि आपने इतना टाइम दिया है, इतना मेरे साथ आपने वक्त शेयर किया है, कि मैं समझता हूँ आप सब लोग ये गिफ्ट जो है इसको डिज़र्व करते हैं। तो अभी मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके साथ नदीम सब शेयर करेंगे। इस लिंक पर जाके आप अपनी डिटेल्स डालेंगे और ये किताब आप डाउनलोड कर पाएंगे। और ये इसलिए है ताकि वो लोग जो कि अगला एक्शन लेना चाहते हैं, जो कुछ आपने सुना है वो यूजलेस है जब तक आप अब उस सफ़र पर चलना स्टार्ट नहीं करेंगे। और ये उस रास्ते पर चलना सिर्फ आपने, ये कोई भी आपकी जगह नहीं चल सकता। और उस रास्ते पर चलने का सफ़र स्टार्ट उस वक्त होगा व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ये किताब आपको मज़ीद वो ब्लूप्रिंट देगी किस तरह से आप उस सफ़र को सच्चा साबित करते हैं, आप पहुँचते हैं। और आज का जो आखिरी नारा है, मेरा ख्याल हम 2-3 मिनट ऊपर नीचे जाएंगे, आई एम पॉसिबल का एक नारा है और वो है आई एम पॉसिबल एंड द टाइम इज नाउ, ठीक है। एक तो ये कि मैं मुमकिन हूँ क्योंकि अल्लाह ने आपको मुमकिन बनाया है, और दूसरा क्या है कि कब मुमकिन है आपने वो कब करना है, जो सारे ख्वाब सारे सपने जो आपके यहाँ मौजूद हैं, जो आपके दिल में मौजूद हैं, अभी इसी वक्त आज से। तो हम उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई एम पॉसिबल एंड द टाइम इज नाउ। मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग मौजूद हैं, आप YouTube पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप ये जर्नी लिखें, आई एम पॉसिबल एंड द टाइम इज नाउ। जी बिल्कुल जी निम्रा, एब्सोल्युटली मुबारक मोहम्मद सैफ, ताहिर सरशार अहमद, और सिमिलरली YouTube के ऊपर जितने भी लोग मौजूद हैं जो कि ये कमिट कर रहे हैं आई एम पॉसिबल एंड द टाइम इज नाउ, आज अभी इसी वक्त। ये कुछ ऐसा काम नहीं जो आपने कल पे डालना है, आप मुमकिन हैं लेकिन अभी और इसी वक्त। और यही वो जर्नी है जिस जहाँ पे इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं करे तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने 2 वादे किए हैं नदीम के साथ, इन्होंने चूँकि परसू किया मुझे, जो ये काम PVTC कर रही है, आप सब लोगों ने इस कॉम का मुस्तकबिल लिखना है, आप सब लोग इतने ज़रूरी हैं क्योंकि आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने वाला, लोगों को स्किलफुल बनाने वाला, उनको अपने पाँव पर खड़े करने वाला, ये वो काम है जो कि इस मुल्क में सबसे ज़रूरी काम है। और आप सब लोग, यू ऑल ऑफ यू आर माय हीरोज फॉर डूइंग दिस। आप जितने लोग मौजूद हैं, आपके जो GM हैं उनसे लेके आपके जो स्टाफ हैं, ट्रेनीज हैं, आप सब के सब लोग मेरे हीरोज इसलिए हैं क्योंकि आप वो काम करने लगे हैं जो कि इस मुल्क का फ्यूचर बना रहा है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड योर जर्नी, आई एम प्राउड ऑफ नदीम अकरम्स जर्नी, दैट व्हाट ही इज मेकिंग एफर्ट्स विद यू एंड डूइंग ऑल दिस व्हाट ही कैन अंडर the whatever limited circumstances, आप सब लोगों ने इस मुल्क को उठाना है, इसकी तकदीर बदलनी है, और सबसे पहले अपनी तकदीर बदलनी है और उसके लिए अपने ख्वाबों को सच्चा साबित करना है। और आई एम पॉसिबल एंड द टाइम इज नाउ। मैंने ये भी वादा किया है नदीम के साथ कि मैं 1 साल तक ये जितने भी आज लोग मौजूद हैं, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इन सब लोगों के साथ मैं कमिट करता हूँ कि हम एक ग्रुप बनाकर मैं इनको पर्सनली कोच करूंगा और 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके जितने भी बड़े ख्वाब हैं उनमें से अक्सर ख्वाब आपके या तो सच्चे साबित होंगे या यू विल बी ऑन द कोर्स टू लिव दोज ड्रीम्स इन रियलिटी। तो मैंने इनसे ये बात की है कि आप में से जो लोग
एक साल और सारे के सारे जो प्रोग्राम जो भी सारी सपोर्ट होगी या आपको पीवीटीसी की जानिब से मिलेगी, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ सिर्फ इसलिए होगा कि आप लोग अपने ड्रीम को रियलाइज़ कर सकें और उस ख्वाब को जो कि कह रहा था उन्होंने देखा आपने सच्चा साबित करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ किताब का, जिसमें अभी नदीम अकरम के हवाले करता हूँ कि वो अगले दो तीन चार मिनट में मुझे देंगे ताकि मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकूँ, जिसमें आपको आई एम पॉसिबल की जो किताब है आपको उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकेंगे। जी नदीम, जी मैं आपको किताब का लिंक आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट के अंदर, और उसमें आप ये आप अपनी डिटेल्स देंगे और आपको किताब ईमेल कर दी जाएगी, तो ये लिंक आप तक पहुँचता है। उससे पहले आप बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं कि ये जो